उधार भी तो हम लेते हैं, आप लड़कियां उधार कहाँ लेती हैं? अब तो वो वाली पॉपुलेशन भी आ रही है, लड़कियां उधार भी लेना लगी, बहुत एडवांस हो गई है भाई। आप उधार भी ले रही जी? आपको नहीं पता, बात सुनिए, ये काम हम तक रहने दें आप। हम लोगों का जेवर है उधार कर्जे, मर्दों का जेवर उधार और कर्जे। मैं कभी भी कभी किसी खातून को ऐसा अप्रोच नहीं करता था, मुझे बहुत पहले लगती है, एक्सक्यूज मी आपका नंबर। मैं क्योंकि एक फनी आदमी था ना, तो क्लास में मैं सीरियस जवाब भी देता था तो लोग हंस पड़ते थे अक्सर, उसकी वजह से होता था मेरे साथ। तो जब वो एक बार खुद से आ जाती थी ना, फिर मैं उनको कहीं जाने नहीं देता। ये नहीं कि आप मार्केट देख लो, अगर आपको इससे अच्छा मिल जाए, ये नहीं, आप आयो इधर ही से आपको मैं दोस्ती के बंधन में बांध दूंगा। सलीम रजा सर मेरे टीचर, सर कैसे? सर हमारे हमें फिजिक्स पढ़ाते थे, सर बैठे ना, सर मुझे बहुत मारा है। अच्छा हो गया लेवल, यू फील अच्छा हो गया। अब कोई काले को काला नहीं कह रहा, मोटे को मोटा नहीं कह रहा, लंगड़े को लंगड़े के मजाक नहीं हो रहे, अंधों के मजाक नहीं हो रहे। आप उठा ले पूरे पुराने जमाने की कॉमेडी, जिनको आप लेजेंड्स कहते हैं, अकलों का मजाक है, कालों का मजाक है, इस हिसाब से तो हमारा स्टैंडर्ड ऊपर चला गया है। जब मैं आऊंगा ना तो मैं खुल के बताऊंगा, सियासत में जब मैं आ जाऊंगा, मुझे लगता है ऐसे कभी-कभी मुझे फील लगता है कि आप जाएंगे सियासत में। मैं जाऊंगा, मुझे बहुत खड़ा कहना है, यू सीरियस? आई एम वेरी सीरियस अबाउट इट, वेरी वेरी सीरियस। हर सोशल इकोनॉमिक क्लास नजर आएगी आपको, अंदर बाहर वहाँ पे जाके आप देखें, जो अमीर होता है वो कहता है चल आज चुल्लू खाते हैं, दिल जा रहा है। जो गरीब होता है कहता है चलो आज चुल्लू खाएंगे यार आज। ये टोयोटा जिम्नेजियम है अभी पब्लिक स्कूल का, इसके अंदर मेरी तो आंखें और मुंह दोनों खुले के खुले रह गए। इसके अंदर दो बास्केटबॉल कोर्ट्स हैं, ये सेंट्रली एयर कंडीशनड है और ये NBA अप्रूव्ड है। और पीछे देखें जी, ये HPS लिखा हुआ है। इट लुक्स सो कूल, मैंने अभी देखा वाकई। ये दीवार पे नहीं लिखा हुआ, ये 1000 सीटें हैं। Assalamualaikum, this is Rabia and you're watching me in Pyar Zindagi aur Karachi. Aaj intro different hai, car mein nahi hai kyunki kuch changes kiye hain humne. But gaadi aayegi, fikar nahi kare. Aaj mere sath kaun hai mehman? The one and only Tabish Hashmi. Assalamualaikum. Kaisi hain Rabia? Main bilkul theek thaak. One second. Kya dobara intro karaun aapka? Nahi nahi, ek aur baar aapse baat ho rahi hai. Okay okay. Lekin pehli baar maine bada aapka detailed intro diya tha, maine abhi cut to the point. Acha, jo aapne kaha one and only Tabish Hashmi, ye iska kya maqsad hai? One and only ka kya maqsad hai? Iska matlab hai ki koi aur Tabish Hashmi nahi hai. Agar simple Urdu lines mein aap baat kare to main kaha dusri Rabia Mughni bhi nahi. Bhai aapka kya naam hai? क्या हो जाए दूसरा कोई हुज़ैफ़ा? ये भी नहीं तो मैं आपको इसमें तो कोई खास बात नहीं। अच्छा, मुझे एक्सप्लेन करने का टाइम आप कहती हैं मुल्क की अजीम होस्ट, हर दिल की उमंग, नौजवानों की अजीम होस्ट तो बहुत से हैं, मुल्क की अजीम जिंदा होस्ट जिंदा अजीम होस्ट बहुत से हैं। लेकिन मैं अब आपको बताती हूँ, ये उर्दू में लिटरल मीनिंग मैंने आपको बताया था कि वो एक ही अकलौते ताबिश हाशमी हैं। गोइंग मैं अकलौता ही हूँ, मेरे मम्मी अब्बा का कोई और ताबिश हाशमी नाम का बच्चा नहीं है। आप मुझे कंप्लीट करने देंगे या नहीं? और फिर दूसरा मतलब ये था कि मैं ताबिश हाशमी, यू नो यू डोंट नीड टू बी डिफाइंड, यू डोंट नीड टू बी इंट्रोड्यूस्ड, यू स्टैंड फॉर योर ओन सेल्फ। फिर आप ऐसे कहते हैं अस्सलाम वालेकुम ताबिश हाशमी? नहीं, द वन एंड ओनली इज आल्सो बिकॉज़ नोबडी एल्स हैज द क्वालिटीज दैट यू हैव। अब देखिए, मुझे आपने टेंशन में डाली, मैं पूरी एक्सप्लेनेशन दूंगी। ये जबरदस्ती की आपने शुरू में ऐसा कर दिया, अब आप जो हैं वो बैकफुट पे खेलोगे? बैकफुट पे? आई डोंट थिंक सो। नहीं नहीं प्लीज, आपके साथ बैकफुट खेलने की जरूरत? फायदा ही क्या? फायदा है क्या? हां, फिर मजा नहीं आएगा ना। हम कोई बहुत ज्यादा सीरियस कॉन्वर्सेशन करने थोड़ी बैठे। हाँ प्लीज, थोड़ी बात होगी। हाँ, अच्छा हाँ, ठीक। बट आप अच्छी करते हैं यार सीरियस कॉन्वर्सेशन। यही है मैं असल में यूजुअली जब मैं पर्सनल कॉन्वर्सेशन कर रहे होते हैं या स्टेज पे नहीं होता मैं अपने स्टेज पर जिसमें, तो लोग बहुत सारे लोग एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं ताबिश आएगा बड़ा फनी इंटरव्यू करेंगे, तो मैं उनकी उससे जज करने की कोशिश करता हूँ भाई आज किस मूड में ये मुझे इंटरव्यू करना चाह रहे हैं, तो उसके हिसाब से चलता हूँ। आपको देख के मुझे लग रहा है कि आप दोनों चीजें आज करेंगी, तो मैं आपने प्रेडिक्ट पहले ही कर लिया कि क्या सवाल होगा राबिया का, आपने जवाब दे दिया। आप बहुत रिसर्च करती हैं राबिया, और मैं रिसेंटली इंटरव्यूज दे नहीं रहा हूँ क्योंकि इतने सारे एक साथ दे दिए थे, तो और फिर उस पर होता ही है कि वो पॉडकास्ट में बंदा कुछ ज्यादा ही सच और हक की बात करने लगता है, उससे फिर कुछ रिपरकशंस होते हैं उसके। आपको हुए कुछ? थोड़े बहुत रिसेंटली जो हुई थी आपकी, छोटे मोटे। हाँ, कुछ कुछ ना कुछ होते हैं, तो मैं इतनी वो इतना टाइम नहीं है कि मैं वो सब चीज़ें ना बर्दाश्त करूँ। हाँ। तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं सादा खुशबू रहूँ। सादा खुशबू तो नहीं है वैसे आप कहीं से भी, बट आई लाइक दिस के यू वुड रादर फोकस ऑन द पॉजिटिव थिंग्स एंड क्रिएटिंग समथिंग कंस्ट्रक्टिव रादर देन एक्सप्लेनिंग योरसेल्फ। एग्जैक्टली, हर वक्त यही करते रहे, वो मतलब नहीं था। देखिए मैंने कितना अच्छा समझा आपको, बट बात में क्या कर रही थी, बात भूल गई। बहुत अच्छा पॉइंट आया, हम इंट्रो भी अटके हुए थे, इंट्रो भी अटके हुए थे। नहीं नहीं, उसके बाद जो आपने बात की थी, चलें खैर, हम यहाँ क्यों आए हैं ये बताइए। ये है, हम ओरिजिनली बता सकते हो कहाँ जाने वाले थे? बिल्कुल स्टोरी सुनाएं। हम जाने वाले थे सिटी कोर्ट के पीछे, गौसिया मुर्ख चने हैं जी,
लाहौर से अभी मैं रिसेंटली अभी कराची अपने शहर वापस आया हूँ, तो अब लाहौर का जो सबसे, अगर किसी से पूछेंगे सबसे मशहूर चीज़ क्या है, तो कहेंगे जी मुर्ग चने हैं या चना नान है, मुर्ग छोले, मुर्ग चने कहते हैं, मुर्ग चने होते हैं, अच्छा लाहौर में चने, ओके, तो वो ये कहेंगे आपको। मेरा आर्ग्यूमेंट ये था कि ये भी सबसे अच्छे कराची में होते हैं, वो सिटी कोर्ट का इलाका है, और सिटी कोर्ट जो है वो आपको पता है सदर और KMC के साथ, तो उसके पीछे ये मुर्ग चने। मेरी खास बात ये, सुबह स्टार्ट हो जाते हैं और 2 बजे रेस्टोरेंट बंद हो जाता है, आपको आज पता चल गया होगा, 2 बजे बंद हो जाता है, दो दिन पहले पता चला है, जो हम डिस्कस कर रहे हैं। ये मुर्ग चने, अगर आप उसके गौसिया की कुछ वीडियोस पड़ी हुई होंगी, अगर आप लगाएं वो अपने, तो वो बहुत बड़े अच्छे, उसमें साथ में वो हरी मिर्चें बड़ी फ्रेश सी सर्व करते हैं, और वहाँ बबल अप मिलती थी जो पूरे पाकिस्तान में कहीं नहीं मिल रही थी। क्या नाम याद कराया, बबल अप, वाओ, मैं तो भूल गई थी, बबल अप भी होती थी, बबल अप, पता नहीं वो जाली बना रहा है क्या बना रहा है, लेकिन बबल अप वो उसके पास थी, अब लास्ट टाइम जब मैं गया था बबल अप पता नहीं है, नहीं है, वाओ, ओके। तो अच्छा, ये मुर्ग चने की मेरे साथ एक इमोशनल वैल्यू भी है, जब हम सदर में इस जगह लाइट हाउस की तरफ जाते थे, तो यहाँ पर एक सिंगर का, सिंगर एक ब्रांड, सिंगर मशीन ना, जी 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 जी, हाँ, सिलाई मशीन, उसका एक शोरूम था, ठीक है, वहाँ पर हमारे अब्बा का इलेक्ट्रॉनिक आइटम लेने जाते थे, क्योंकि उसका शोरूम मैनेजर अब्बा का दोस्त भी था, वो जानने वाला था, तो डिस्काउंट भी मिलता था, तो वहाँ वो अब्बा को देख के ना ये मुर्ग चने मंगवाता था, okay. तो मैं बहुत छोटा होता था, और मैं वो मुझे टेस्ट हमेशा से था कि यार कौन सा है क्या है, तो जब मैं अपनी बड़ी उम्र का हुआ गाड़ी, तो मैंने वो एक्सप्लोर किया, मैं गया ऑफिस से भी जाता था मैं, स्पेशली मुर्ग चने खाने, wow. वो बहुत अच्छे होते हैं। अच्छा, वहाँ पर खास बात ये, वकील भी बैठे होते हैं, अच्छा, वकीलों के साथ मुजरिम भी होते हैं, पुलिस वाले भी होते हैं, पूरा एक सीन है, एक सीन है, माहौल है, हाँ, और सब मुर्ग चने खा रहे। अच्छा, फिर हम वहाँ पर नहीं जा सके, तो हम आए यहाँ, इसका नाम है चुल्लू कबाब सिस्तानी, ये कराची के कल्चर को एक ज़माने के रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे ईरानी टी हाउसेस एक मशहूर होते थे कराची में, जहाँ बड़े बड़े लोग, साद कैन, मंटो, ये लोग बैठते थे, बड़े उससे ही बड़े बड़े बातें करते थे, शायर बैठते थे, फलसफी बैठते थे, एक्टर्स बैठते थे। एक साइट एरिया आप शायद कराची में सुना हो, वहाँ पर भी एक ईरानी होटल है कोने पर, वहाँ पर मोहम्मद अली, ज़ेबा, इस तरह के स्टार्स एक ज़माने में बैठते थे, क्योंकि वहाँ स्टूडियोज़ थे आस पास, ARY का जहाँ पर स्टूडियोज़ था। तो ये हिस्ट्री है कराची की ईरानी चाय के होके, उसके कुछ रिमेन्स हैं ये चुल्लू कबाब, यहाँ पर ईरानी खाने मिलते हैं यहाँ पे। अब ये इसकी सेटिंग खास ही होती है, ये जो आप देख रहे हैं ना शीशे वाली इस तरह की बेंचेस, ये सिग्नेचर ईरानी रेस्टोरेंट्स की हैं। इसका दूसरा नया पार्ट भी है, मगर वो ईरानी लगता नहीं है, वो काफ़ी ईरानो पाक लगता है, पाको ईरान का एक संगम है वो, लेकिन ये ऑथेंटिक ईरानी रेस्टोरेंट अभी भी थोड़ी बहुत। इसीलिए हमने चूज़ किया कि हम यहाँ बैठेंगे। अब एक ज़माने में इसकी खास, किसी भी ईरानी रेस्टोरेंट में जाएं, अभी बहुत ज़्यादा दूर की बात नहीं कर रहा हूँ, तो जो सर्वर्स होते थे, अटेंडेंट्स होते थे, वो वाइट वो पहनते थे, वो जो उनका है कोट सा, हाँ, कोट सा, ओके, हाँ। जो नहीं वो चोगा टाइप, चोगा नहीं, कोट, कोट, वो जो वेटर्स पहनते ना फिल्मों में, जो करके प्रॉपर, मतलब प्रॉपर होते थे बड़े और पुराने, इनमें आप नया लड़का नहीं देखोगे कभी। अच्छा, आपने 10 साल पहले जो बंदा देखा, पता नहीं किस तरह से रिटेन करते थे इस अपने ह्यूमन रिसोर्सेज को। अब यह आहिस्ता आहिस्ता डिटेरिएट हो रहा है बिज़नेस, कुछ को मार दिया भत्ते के चक्कर में, पर्ची के चक्कर में, तो पर्ची वाले दौर ने बहुत ख़राब किया कराची, बहुत बिजनेसेस बंद हो गए, बट ये कुछ नज़र आ रहे हैं हमें भी। पहले हम ऑर्डर करते हैं, देन वी गो बैक टू द प्लीज़, आप बताएं। मैं तो ऑफ मेन्यू हो चुका हूँ, ऑफ मेन्यू हो चुका है, चुल्लू मखसूसी मंगवाएंगे, एक सुलेमानी मंगवाएंगे, बड़ी सर्विंग होती है, आप पूरा नहीं खा पाएंगी, मगर मैं खा लूंगा आपका, टेस्ट कर रहे थे ना, ठीक है। तो अब क्या, चुल्लू सुलेमानी और सुलेमानी सुल्तानी, सुल्तानी और चुल्लू कबाब मखसूसी, ओके, कोई हमें अगर नजर आ जाए इसका, इसमें कबाब है और चावल बारबेक्यू और सफेद चावल, उसके साथ ये एक पुराने मक्खन सर्व करते हैं, रोस्टेड टोमेटो होगा और थोड़े से होम कट फ्राइज होंगे। होम कट फ्राइज मैंने इस तरह बताया जिस तरह कोई नई चीज़ होती है। वैसे आजकल के ज़माने में तो होम कट फ्राइज नई चीज़ ही है, बिकॉज़ अब तो वो बहुत कमर्शियल हो गए हैं। सो अब देखते हैं आपके होम कट फ्राइज कितने ओरिजिनल या, अब पता नहीं भाई, बहुत अरसे बाद आया हूँ, ये पता नहीं अभी। नहीं नहीं, हम आपको कोई ब्लेम नहीं करेंगे, जब मैंने आपने जब मुझे जगह बताई और मैंने अपनी टीम के साथ डिस्कस किया, तो दे ऑल गॉट एक्साइटेड, एंड सबको पता था, मुझे ही नहीं पता थी ये दो जगह। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, एक सुल्तानी, सुल्तानी में मटन है ना, एक चिकन, दो कबाब बीफ और चिकन बोटी है। अच्छा, एक तो ही सुल्तानी कर दो, और वो मक्खन वाली दाल होती है दीदी ना फ्राई करके, वो वाली एक छोटी दाल ले आना, और एक इसके साथ नान ले आना, ठीक है, और चुल्लू कबाब है ना वो अनार वाला वो लेकर आना, वो जो मसाला होता है ना अनारदाने का। नहीं नहीं नहीं, 20 मिनट, और उसके साथ कोल्ड ड्रिंक बाद में पूछ लेना साथ में, ठीक है, जल्दी ले आइएगा।
वाओ, आपको तो सब अनार वाला वो कोई मसाला है ये क्या कुछ? हाँ हाँ ओके, इसके ऊपर डलता है वो. अच्छा एक और भी रेस्टोरेंट है, बहुत अंडररेटेड है लेकिन उसको लोग जानते होंगे, स्पेशली वो जो कराची की वॉल स्ट्रीट पे काम करते हैं, आजाद चंडीगढ़ रोड पे. उसको कहाँ जाता है कराची? That's a good one. हाँ कराची की वॉल. I've never heard this one. कहाँ रहती हैं आप? कहाँ रहती हूँ मैं? आप फेस सिक्स से बाहर निकले ना, इस अब बीएचए के बाहर. कुम्हारवाड़ा गए हैं? किस पे? कुम्हारवाड़ा. कुम्हारवाड़ा ये कहाँ है? कराची में है. सो मुझे चैलेंज नहीं करना. मैं गया हूँ ऐसा. कुम्हारवाड़ा ये पीछे ही. किधर पीछे? ये बताता हूँ ना, साइड एरिया से भी आगे है वो. फिर मैं जी 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 वो प्रॉपर जिधर मैं औरंगी पहुंचने वाला था. मैंने कहा था ये औरंगी के साइड पर है कुम्हारवाड़ा, क्योंकि हमारा शायद एक हमारे कंपनी थी जेपी कोट, उसका एक वर्कर वहां रहता था. वो वाड़ी था कुछ, वाड़ा नहीं था. खैर मैं नहीं, ये तो कुम्हारों की. यू गॉट मी देयर. यस भाई, नहीं लोग समझ रहे हैं यार कि मतलब मैं. अच्छा ये छोड़ ना, कराची की इतना बड़ा है. अब मसला ये है कि हर इलाके को क्लेम भी तो करना है वो कराची में. ये बात भी है. तो आप कौन सा इलाका नहीं चाह रहे क्लेम हो कराची में? बहुत सारे नहीं हैं अब तो. कराची इतना बढ़ नहीं, जितने एरिया हैं सब कराची में ही हैं. लेकिन अब कराची बहुत ज़्यादा एक्सपेंड हो चुका है. और आपको पता है एक्सपेंड हो रहा है, हम सबको लग रहा है रश बढ़ रहा है, मगर सेंसेस में लग रहा है 20 लाख लोग कम हो गए. कराची की आबादी कम हो रही है आपको पता है. और अब मेरे ख्याल से कराची अगले सेंसेस तक पाकिस्तान का कोई तीसरा बड़ा शहर होगा, क्योंकि सबकी आबादी बढ़ रही है, हमारी कम हो रही है. और समझ में नहीं आ रहा कम हो कहाँ रही है, लोग तो बढ़ रहे हैं. सोल्यूशन क्या है इसका? आबादी बढ़ाना सोल्यूशन. मेरे ख्याल से सेंसेस पे कुछ डाउट्स हैं. कुछ डाउट्स हैं उनको या सबको बैठे क्लियर करना चाहिए. दिस इज़ वेरी अनफेयर टू दिस सिटी कि आप इसकी. अच्छा आप सेंसेस में लोग कम होंगे तो जाहिर बात है रिसोर्सेज कम दी जाएंगी, आवाम के हिसाब से ही बांटी जाती हैं. तो अनफेयर है यार, देखने में तो नहीं लगता कि आबादी कम हो रही है. कहीं से आबादी कम नहीं हो रही है? आप आके यहाँ ट्रैफिक में बैठिए. अगर आबादी कम हो रही है भाई साहब तो ये ब्रिजेस क्यों बना रहे हैं आप? ये जो अंडरपास बनाने की जरूरत पड़ रही है या जो अल्टरनेट ट्रांसपोर्ट, इसीलिए हो रही है ना, ट्रैफिक बहुत हो गया है, कम करना है ये. और सबसे बड़ी बात ये है कि हर कोई कराची आता है नौकरी के लिए. हाँ हर कोई कराची आता है तो ये होता है ना, अभी ईद पे इतना रश कम हो जाता है, कहाँ सब चले जाते हैं छोड़ के, और फिर कराची जो रहते हैं वो वाले रहने लगे. एग्जैक्टली ये होता है कि चार दिन ईद के बाद चार दिन खामोशी होगी, काम नहीं होगा, वर्कर्स नहीं होंगे, लोग नहीं होंगे, बिकॉज एवरीबडी गोज बैक टू देयर टाउन. कोई इतना कहाँ घूमने देता था? फिर मैंने खुद ही एक्सप्लेन, मैंने कहा ये लड़के ना इसलिए उनका एडवांटेज था. मतलब पान वाला भी आपको पता है कि वो आखानी है, कौन है कौन नहीं. मैंने कहा अरे भाई मैं आई रियली फेल्ट लाइक लेफ्ट आउट फ्रॉम कराची आफ्टर लिसनिंग टू दिस. आई सेड मेरे ये कनेक्शंस नहीं है यार. आई वाज लाइक आल्सो राइट कि ये लड़कों के ही हो सकते थे. लेकिन आज भी नहीं हो सकते ताबिश मेरे कनेक्शन. आज भी शायद नहीं जाएंगे. अब क्यों जाएंगे? मैं जाके अच्छा खवातीन की वो जरूरत भी नहीं पड़ती थी ना. आप कौन सा पान छालियां लेने जा रही हैं? अब तो जाती हैं खवातीन भाई, अब चीजें चेंज हो गई हैं. बट वी विल ऑल नेवर हैव अ कन्वर्सेशन विद दैट गाय. आप लोगों की होगी हमारी बातचीत है. उधार भी तो हम लेते हैं, आप लड़कियां उधार कहां लेती हैं? अब तो वो वाली पॉपुलेशन भी आ रही है, लड़कियां उधार भी लेने लगी. बहुत एडवांस हो गई है भाई. आप उधार भी ले रही जी? आपको नहीं पता यार, मैं तो ये इस तरह की बुरी चीजें मैं लड़कियों से कभी एसोसिएट ही नहीं करता था. उधार कर्जे ये तो हमारा काम है भाई, ये इंडिपेंडेंस है भाई. ये बात सुनिए, ये काम हम तक रहने दें आप. उधार कर्जे इंडिपेंडेंस है भाई. जब आप निकलते हैं आप, हम लोगों का जेवर है उधार कर्जे, मर्दों का जेवर उधार और कर्जे. ये मत बता रहे क्यों ये लड़कियां नहीं करें प्लीज. अच्छा मुझे ये बताएं कराची की पहली मेमोरी. पहले तो बताइए कौन जालिम लड़कियों को उधार दे रहा है? क्यों नहीं देंगे भाई, बस दे के भूल जाओ. सबसे अच्छी कस्टमर्स होंगी लड़कियां. मैं कह रहा हूं, मैं यही कह रहा हूं इनको कौन जालिम उधार दे रहा है? आप लोग की आदतें खराब कर रहे हैं. आप लोग कह रहे हैं क्यों आप लोग उधार से कम दे रहे हैं? हम पूरा वापस कर रहे हैं. इसलिए कोई जेंटलमैन होगा तो बोलेगा मैं लड़कियों को उधार देते नहीं, मैं वैसे ही ले जाएं. दुकान चलानी है. नहीं नहीं देखें, वी वांट टू बी ट्रीटेड फेयरली एंड इक्वली. काम है भाई, हम अक्सर यहाँ से गुजरना. वो तो यूनिवर्सिटी से एसोसिएटेड होती थी चीजें. नहीं वो वहाँ पे कैंपस वाले तो काफी बर्गर सारे लोग होते थे.
उस जमाने में ज्यादा जिनके दो नंबर ज्यादा आते थे ना वो वहाँ जाते थे. हमारे जमाने खत्म हो गया था ये रूल. ठीक है, तो वो IBA वो जाते थे उस मेन कैंपस जो जिनके दो नंबर तीन नंबर ज्यादा आए होते थे. तो वहाँ ज़्यादा पढ़े लिखे बच्चे होते थे. तो यहाँ थोड़े से फीस भी ज़्यादा थी उस ज़माने में यहाँ की, वहाँ की कम थी. तो थोड़े से शरारती अनासिर थे यहाँ ज़्यादा. आप में तो बहुत ज़्यादा थे भाई. मैं बहुत था. अच्छा, उसके बाहर भी एक रानी होटल है, रेस्टोरेंट मुबारक, मुबारक उस पर हमने बहुत, नहीं मुझे भी कुछ पता है, मुबारक कैफ़े मुबारक, वो वहाँ पर बहुत IBA के सब तकरीबन सभी लोगों की वहाँ की मेमोरीज होंगी. हमारा डेट सीन भी बहुत चलता होगा. नहीं, अच्छा IBA में जरूरत नहीं पड़ी. IBA में ऐसा नहीं था कि छुप कर कहीं बैठना पड़ रहा है. बाकायदा एक जमाना ऐसा आया कि लम्स और IBA में किसिंग पे बैन लगाना पड़ा. ये कब हुआ भाई? कि अब ये नहीं करें. सीरियसली? यानी हो रही थी, पहले हो रही थी, वो लोग अब नहीं करें. IBA में नहीं था, लम्स में लगा था. IBA में इतना नहीं था, अभी भी इतना नहीं है, लेकिन एक हाँ तब भी थोड़ा सा प्रोग्रेसिव सा इदारा था. सो व्हिच प्रोग्राम वर यू इन? मैं MBA दो चीजें जो कराची वालों को ही नहीं पता हूँ या मोस्टली लोगों को नहीं पता हूँ, चीजों दो तीन चीजें कराची वालों को नहीं पता हूँ या आजकल की जेन ज़ी को नहीं पता हूँ. चलें, लेट मी रीफ्रेज. नीपा पे ब्रिज जो बना है, आपने देखा होगा नीपा का ब्रिज, उसके नीचे से एक रेलवे फाटक गुजर रही है. ओके. ये ब्रिज इसलिए प्लान किया गया था कि ये रेलवे फाटक के ऊपर से जाएगा ताकि सर्कुलर रेलवे चल सके. ये सर्कुलर रेलवे बंद होने के 5 साल बाद बना है. ओ वाओ, ये तो बड़ी जल्दी लिया है. अरे जल्दी के चक्कर में कबाब ठंडे वो ना हो, कच्चे ना हो भैया. कबाब दफन करके लाए हो चावल में. कबाब, कबाब इसके चावल में ना. जरा You're just confirming kebab hai. Home cut. Oh nice. वैसे कुछ ज़्यादा different नहीं लग रहा है मुझे. हाँ, देखिए. जी. इतने छोटे scale के restaurant में कभी आपको इतनी साफ plates नहीं मिलेंगी. नहीं, सही बात है. चमक रही है यार देखो. वो ईरानी भी आता था ना ऐसे. हाँ, कुछ ईरानी restaurants में सफाई होती है. आपको ये serving इस तरह की प्लेटें हैं. अभी चाय खास ट्रांसपेरेंट कप में आएगी. कहवा जो होता है ईरानी. नहीं, चाय जो होती है ना, हाँ वो एक शीश इसी तरह की आप सोचो चाय. ये अक्रॉस ईरानी होटल कॉमन है. ओके. आप इतनी इंटरेस्टिंग बात करें और बड़ी अच्छी जगह लाए. मैंने तो वो फैंसी ईरानी अरबिक रेस्टोरेंट ही देखे हैं, वेरी ऑनेस्टली स्पीकिंग. आई हैव नॉट बीन टू दिस काइंड ऑफ. थैंक यू वेरी मच. ये बटर भी खास है, इसका टेस्ट अलग है. यूजुअली वो तो नूरपुर होता है दूसरी जगह पे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. चलिए जी, स्टार्ट करें. राबिया आप प्लीज़ ट्राई करें. ये मेरा, आप पहली बार शायद इधर आई हैं. इसके नीचे कबाब है. जी, कबाब मिल गया हमें, नज़र आ गया है कबाब. आप अच्छा, अच्छी बात ये है, आप बिना आप यहाँ पर हर सोशो इकोनॉमिक क्लास नज़र आएगी आपको. लुक्स लाइक इट. अंदर बाहर वहाँ पे जाके आप देखें. सो मैंने मेन्यू पे प्राइसेस नहीं चेक की, बट अफोर्डेबल होता है. आप अभी भी जाहिर बात है, हाँ आते ही हैं. जो अमीर होता है वो कहता है चल आज चुल्लू खाते हैं. दिल जा रहा है. जो गरीब होता है कहता है चलो आज चुल्लू खाएंगे यार आज, यू नो. तो वो अक्रॉस द वो अफोर्ड किया जा सके. गरीब अपने अच्छे दिन पे और अमीर अपने नॉर्मल डे पे खा सकते हैं. जैसे ये फ्रेंच फ्राइज, यू कांट बीट एनीथिंग यार. वो जो MQM कह रहा हूँ, वो जो ठेले पे मिलते थे ना फ्रेंच फ्राइज, थोड़ी बड़ा पीस ले रहा हूँ. अच्छा, ये वो आपने वो वाली क्या बोला था, अनारदाना, वो नहीं लाए वो? या वो इसी में कहीं है, मुझे नहीं, 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 वो लेकर आएगा. अच्छा, ये थोड़ा सा टमाटर भी ट्राई कीजिएगा. इसका तरीका ये है कि एक बाइट आप टमाटर का लेंगी और एक बाइट चावल और कबाब का. आप बटर नहीं लेती? मैं वही उसकी तरफ ही जा रही थी. तो इसको मैं आपको ये देखें ना, रुके. वो मुझे लगा वो ज़्यादा गर्म, उसके ऊपर तो शायद जल्दी मेल्ट हो रहा होगा. ये सफ़ेद बटर है. सफ़ेद बटर है, मुझे इतना अजीब सा लग रहा है सफ़ेद बटर खाना, क्योंकि वो आई एम यूज्ड टू हैविंग द जस्ट टेस्ट इट, यू लव इट. आप बोलेंगे और लाओ भाई ये. अच्छा, तो एक तो वो नीपा वाली चीज़ थी. और यू वांट टू टेल अस मोर अबाउट दिस डिश एंड फिश डिश. अच्छा, ये ये मैं यहाँ रख रहा हूँ ताकि हमारे कैमरे का विजन नहीं ब्लॉक हो. ये तो जो रोटी यहाँ पे, अगर आपको नानी, हाँ सुल्तानी मंगवाई है. या इसके अंदर एक रोस्टेड टोमेटो आता है, एक रोस्टेड मिर्च आती है, और हमेशा से यही आती है. एक वाइट सा बटर है. और ये चावल है सादे. मुझे लगता है ये बटर इनके अपने यहीं के शायद, और हम क्योंकि हाँ
रेस्टोरेंट में। मैंने बड़ी कोशिश की घर के लिए बटर आ जाए, मिला नहीं अभी तक मुझे, हो सकता है मिल जाए कहीं ना कहीं से, इतनी कोशिश भी नहीं की वैसे। बट जब आप कॉलेज टाइम में कराची के हालात जब इतने अच्छे नहीं होते थे जी, उस वक्त सोचते थे आपके मैं शिफ्ट कर जाऊंगा बाहर, ये बाद में आप? नहीं नहीं, कराची के हालात कब अच्छे होते थे? नहीं यार, एक टाइम पे तो अच्छे होते, बीच में एक बहुत बुरा जमाना आया, नाउ दे आर मच बेटर। मैं जब से बड़ा हुआ हूँ कराची के हालात, कराची के हालात 89 में बुरे थे, फिर 92 में बुरे थे, 96 में भी बुरे थे, फिर 96 के बाद थोड़ा काम हुए, 2001 से बुरे थे, 2008 के बाद बहुत बुरे थे, जो कराची पाकिस्तान हर जगह में है, टेरिबल की जो आप बात करें, मैं हालात की जनरली बात कर रही हूँ, हंगामे, कहते हैं जी, स्ट्राइक्स एंड ऑल दैट, यू नो, सिक्योरिटी वाइज आल्सो बहुत बुरे हैं यार। आप देखें ना, आपको कितनी लाहौर की वीडियोस मिली हैं स्ट्रीट क्राइम की, कितने लोग मरे हैं यहाँ पे 2000 के मोबाइल के लिए। आप मुझे एक बात बताएं, क्लेम ये किया जा रहा है कि पॉपुलेशन कराची की कम हो रही है, और जब बात की जाती है स्ट्रीट क्राइम्स पे तो लोग एग्जांपल देते हैं शिकागो की और इसकी उसकी, पॉपुलेशन आपने लाहौर जितनी कर दी है कराची की इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, जब एक्सक्यूज बनाने होते हैं तो आप इसको सबसे पॉपुलर सिटी कह देते हैं। और मुझे बताएं, आप शिकागो गई हैं कभी? नहीं। न्यूयॉर्क गई? अच्छा, मैं इन दोनों जगह गया हूँ। यहाँ पे किसी आम शहरी से बात करेंगे, वो थोड़ी दो दो मोबाइल लेके घूम रहा है कि एक देने वाला है एक लेने वाला है। कराची में तो हर दूसरा बंदा ये कहता है यार यहाँ से मोबाइल नीचे रख लो। ये शिकागो में कभी होते देखा है आपने? किसी ने नहीं देखा होगा, कुछ मखसूस इलाके होंगे। ये एक्सक्यूजेस बिल्कुल लेम है कि लंदन में इतना क्राइम होता है, न्यूयॉर्क होता होगा, भाई होता होगा, होता भी है, तो वो रिपोर्टेड है। अपना काम करें, ये क्या फैलेसी ऑफ रीजनिंग है, वो भी तो करते हैं ऐसा। तो हालात सही नहीं है भाई, कोई अपने आप को सेफ महसूस नहीं करता। मैं लाहौर में रहता हूँ, मुझे पता है डिफरेंस मैं कितना सेफ महसूस करता हूँ। और मुझे इस बात का अफसोस है, मतलब मैं कराची की बुराई नहीं कर रहा हूँ, मैं अफसोस कर रहा हूँ इस बात पर। नहीं, आई कैन फील योर पेन। जहाँ आप पले बड़े हों, जिसकी गली गली से आपका वाबस्ता हों, आप उसकी हालत देख के आपका दिल बहुत दुख होता होगा। इतनी इतना अच्छा लगता है, मैं रोडों पर निकलता हूँ, यहाँ के लोग ज़्यादा मतलब जानते हैं मुझे, ओन भी करते हैं, सड़कों में हाथ हिला रहे होते हैं। मैं भी दस्तगीर गया, वहाँ लोग गाड़ी पे मतलब आ रहे थे, गया ताविज भाई, आए मैं ताविज भाई, तस्वीरें शेयर की, एंड देन मैंने लुक अराउंड, यार किस हालत में रहते हैं सारे, किस हालत में, इवन जो डिफेंस में रहते हैं अब वो बेचारे लगते हैं, खुदा वा शहर है। अच्छा, सो यू वर टेलिंग अस अबाउट द नीपा वाला, फिर उसके बाद और बताएं कोई और इंटरेस्टिंग फैक्ट। यार इंटरेस्टिंग फैक्ट ने सारे बताए जा चुके हैं अब। ओके छोड़ दें, बताएं ड्राइविंग कैसे सीखी? इलीगल तरीके से? हाँ, वही जानना चाह रही हूँ मैं, कौन सा वाला, कौन इलीगल भी तो बहुत से होते हैं, आपने कौन सा वाला आजमाया था? आर्ट, और अम्मा अब्बा को पता था? उन्हें अब्बा ने सिखाई इलीगल तरीके से, अम्मा ने सिखाई। ओ, आपकी अब्बी बहुत बहुत क्रूशियल जिंदगी में थे, बहुत कूल थे यार वो आपके। हाँ, तो अब मैं 8 साल का था, मैं 8 साल का पूरा सिखाई थी उन्होंने आपको? जी जी, तो मुझे वो ग्राउंड में ले गए, कहना कि बैठो ये करो ये करो, गाड़ी चलना शुरू हो गई। और मेरा कद बहुत छोटा था, मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है, छोटी उम्र में तक बहुत छोटा था, तो क्लास 10 में 4 feet 10 inches का था। तो मुझे गाड़ी आती थी क्लास 92 के दिसंबर में मैंने गाड़ी सीखी है, मैं उसका था 7 साल का और मैं जनवरी में 8 का हुआ। ओके, टू मच कैलकुलेशन फॉर मी, बट चलिए आगे। और मुझे बाय द एज ऑफ 9 हर तरीके की गाड़ी चला रहा था मैं, पोटोहार, ये वो, सुजुकी की सारी गाड़ी, मेरे वाले सुजुकी में थे, कुशन रख के साइड से निकल के थोड़ा सा ऊपर उठ के इस तरह से चलाता था मैं। लेकिन वो ऐसा था, रोड पे नहीं दे रहे थे, शुक्र है अब्बा रोड पे नहीं दे रहे थे कि यहाँ पे भी चलाओ। लेकिन मैंने अर्ली बगैर लाइसेंस के चलाई, जिसका मुझे अफसोस है, मुझे नहीं करना चाहिए था। इट वाज़ वेरी रिस्पॉन्सिबल ऑफ मी एंड ऑफ कोर्स माय अब्बा एज वेल, नहीं करना चाहिए था। बट उन्होंने अपनी सुपरविजन में आपको सिखाई ना? हाँ। अच्छा, वो मैं इतना पक्का हो गया कि फिर अब्बा ना चलाना भूल के कहते अब तुम चलाओ, वो भी आपको ही पड़ गई। हाँ, अब हर जगह लेके जाओ, ये बच्चे जो नई नई गाड़ी सीखेंगे ना उनको बड़ा शौक होगा हर वक्त चलाने का, बेटा ये गले पड़ जाएगी गले, फिर दही तक आपको लेने भेजेंगे। मैं इतना अच्छा हो गया था कि हमारे घर में जो गैराज का रैम था ना, बड़ा मुश्किल था उसका टर्न, तो अक्सर अब्बा जब बड़ी गाड़ी पार्क करनी होती थी ना तो कहते थे ताबिश को बुलाओ अंदर से, तो 12-13 साल का लड़का अंदर से आता था मुश्किल काम करने। अच्छा, दिस इज़ गुड, ये मज़े का है बहुत। और मैंने बाहर खाया था ईरानियन, सो इट्स ऑलमोस्ट नियर टू इट, काफ़ी उससे करीब है टेस्ट इसका। वहाँ पे
जो चावल होते हैं ना उसमें ज़ाफ़रान डालते हैं वो, इधर मुझे उसका टेस्ट उतना नहीं आ रहा। ज़ाफ़रान बहुत महंगा होता है ना भाई। हाँ, जो भी रीज़न है, मैं इंपोर्ट पे बैन लगे हुए भाई, ज़ाफ़रान कहाँ से आया? ताबिर, मैं भी थोड़ा सा इंप्रेस करने की कोशिश कर रही हूँ आपको कि मुझे भी पता है आप मेरी हर पॉइंट को वो कर रहे हैं। सॉरी, मैं अभी और अभी मैं नहीं करूँगा। देखिए, मुझे दोनों ही अच्छी लगती है काली ड्रिंक्स। ओके, मैं उसको से बोलूँगा काली ले आओ, ठीक है, देखते कौन सी लाते, ताकि कोई ब्रांड नाराज ना हो। और फिर हम बैट लगाते हैं कौन सी लाए। ठीक है, सही है। कोल्ड ड्रिंक लियो मेरे लिए काली, आप काली पीएंगे सफेद? सफेद, सफेद, ठीक है, थैंक यू। सो व्हाट डू यू थिंक? पेप्सी लाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन पेप्सी की ज्यादा है, सो मेरी भी कॉल। नहीं, इन इलाकों में कोक भी है। मैंने तो प्योरली बिजनेस के मतलब उसको देख के एनालाइज करते हुए। आप 7 अप? 7 अप, ठीक है। बट आप पॉज करें वीडियो और आप घरों में शर्तें लगाएं। और जो डिस्ट्रीब्यूशन ही मार्केटिंग वाले सुन रहे हैं दोनों कंपनीज के, वो देखें कि आपका काम कितना अच्छा चल रहा है। लाहौर में है कि स्ट्रांग ज्यादा कोक है यहां, तो आई फील पेप्सी इज स्ट्रांगर और मे बी कोक इज स्ट्रांगर, लेकिन दुनिया भर में तो बिल्कुल डिफरेंट नंबर है ना भाई। अच्छा, तो खाने की जगह कौन सी फेवरेट है पाकिस्तान में, कराची में? सॉरी, नॉट पाकिस्तान में। यार, तो बहुत सारी नई खुल गई, मैंने एक्सप्लोर नहीं की। मेरा ऑल टाइम, आई एम टॉकिंग अबाउट द ओल्ड वन, मेरी जो ऑल टाइम फेवरेट थी चॉप चॉप वॉक, मुझे बहुत पसंद था। ये तो नया है भाई, मैं पुरानों की बात कर रही हूं। अच्छा, और पुराने चला जाऊं? हम दोनों गलत थे। ये सही था। ये भेदभाव है, भेदभाव। ये यार, ये कोक 7 अप की होती है? ये 7 अप आई गेस, ये पेप्सी की होती है, पेप्सी की होती है ना 7 अप? तो यार ये क्या भेदभाव है यार, चलो कोई बात नहीं, एक ही की हो, क्योंकि डिफरेंट नहीं रख सकते। अच्छा, ऑनेस्टली स्पीकिंग, आई एम इनडिफरेंट। नो, आई प्रेफर पेप्सी हियर। अच्छा, पता, यू विल नॉट बी एबल टू डिफरेंशिएट। I can differentiate. अच्छा, okay, let's do this challenge. हाँ, let's do this challenge. भैया, मैंने बुलाना भाई। हाँ। अपना समीउल्ला। आज के एपिसोड में सब होगा। सब होगा। और ये भी मालूम करेंगे कि ये वाइट मक्खन कहाँ से आता है फरताबिश। सोचे मैं बोले भाई यानी ये गधे का है। मैं कहाँ ही होगा ना? तो क्या होगा? No, I mean the old places like, you know, यहाँ पे एक उसकी जगह होती थी कटाकट की। अब नहीं है। नहीं, क्या नाम था उसका, अब बंद हो गई है। ये लकी स्टार है ना, ये इधर होती थी, लाइक दिस ओल्ड प्लेसेस। लकी स्टार खुद एक बहुत पुराना है, पुराना रेस्टोरेंट है। एंड देन जैसे ताली रोड पे वो चाइनीज होता था, क्या मुझे नाम, हसन डिसिल्वा टाउन में एक कढ़ाई होती थी, अब जो नीचे आ गई है वो वहाँ जियाउद्दीन अस्पताल के पास। बेटा, पेप्सी भी है? पेप्सी नहीं है। एक ला सकते हैं, एक पेप्सी ला सकते हैं। वैसे आप नहीं बता पाएंगे, आई कैन गारंटी यू दिस। वी मीट अनदर टाइम एंड डू दिस चैलेंज। वहाँ अब नेक्स्ट लोकेशन में जा रहे हैं, वहाँ करके देखते हैं, ठीक है। उसको पता था कि आप डिफेंस से आएंगे तो आपको स्ट्रॉ दिया, मुझे नहीं दिया। अक्सर लोग क्या कहते हैं, कैन को स्ट्रॉ से पियो क्योंकि इस पे चूहे ने कॉकरोच, जबकि इतने सारे जानवर हैं, लोग भी कर सकते हैं यहाँ तो। फिर तो आपको डेफिनेटली स्ट्रॉ से पीना चाहिए। ये लास्ट वाली स्टेटमेंट के बाद आपकी थोड़ी सी दाल भी ट्राई कीजिएगा। ओह हाँ, मैं तो भूल गई, जब आप दाल ऑर्डर कर रहे थे आई गॉट एक्साइटेड बिकॉज़ आई लव, आपने क्या बोला, दाल फ्राई ना? दाल ये मक्खन से फ्राई होती है, बहुत सही है यार। आपने वो देखा है वो लाहौर में झीला है? नहीं, मुझे मक्खन डालता है झीला। नहीं, झीले के पकवान नहीं यार, मैं लाहौर बहुत अरसे से नहीं गई। अरे वो बड़ा वायरल है भाई। I'm planning to do one in Lahore. हम लाहौर को एक्सप्लोर करें, बट वो अभी वहाँ पे आप लाहौरियों के साथ कीजिएगा, जो ओरिजिनल ऑथेंटिक लाहौरी हूँ मैं। अभी नया हूँ वहाँ पे। नहीं, आपको नहीं लेके जाएंगे, आपको हम कराची में लेके जा रहे हैं ना, इसीलिए। बिकॉज यू, आई थॉट कराची हैज टू बी यू ना। सो एक तो मेरी जनरेशन है कराची की, 80s में जो पैदा हुए, अभी एक तला अंजुम और तला यूनुस नहीं है यंगस्टर, वो भी आपको एक अलग कराची दिखाएंगे। उनके वो शीशा बार कौन से मशहूर थे और गांव में इतने बच्चे, गेमिंग एरिया, ये हम सब। बट कौन से एरिया के साथ आपकी सबसे ज्यादा फॉन्डेस्ट मेमोरीज हैं? गुलशन, मरीज, सी व्यू, या गुलशन के साथ? यू वर इन नाज़माबाद, राइट? नॉर्थ नाज़माबाद। हां, गुलशन एंड द फॉन्डेस्ट उसके साथ भी, नॉर्थ नाज़माबाद के साथ भी हमारी बड़ी मेमोरीज हैं। मेरा बड़ा अच्छा, मेरा मतलब पैदाइश के कुछ अरसे बाद ही हम वहाँ शिफ्ट हो गए थे ना। सो लाइक 7-8 years, 7 years वहाँ गुजरे। हाँ, 10-12 साल पर गुलशन में गुजरे, 15 साल मलीर कैंट में गुजरे। 15 years आप मलीर कैंट में? हाँ, 10-11। इनसाइड द कैंट? या इनसाइड कैंट। ओके, वो तो डिफरेंट लाइफ है। दैट्स अ वेरी डिफरेंट लाइफ।
बिल्कुल डिफरेंट लाइफ है. बाहर लगता है कि हम वो नहीं, वो हंगर गेम्स में कैपिटल होता था कैपिटल. यू आर राइट. आपने क्या रेफरेंस दिया है, क्या और क्या दूं. सही है, फील होता है वो जब तो, जब उस वो गेट से बाहर निकले ना. और लोग भी ऐसे ही मिलते हैं. अच्छा आप लेंगे ये? मैं भी लूंगा. क्यों? मैंने कहा मैं आपको सर्व कर दूंगी. नहीं मैं खुद कर लूंगा. थैंक यू. सो या सो फॉन्डेस्ट मेमोरीज, कोई किस्सा, कुछ कहानी स्ट्रीट्स पे जब आप लोग यंग थे, खेल वेल क्या होती थी, गेम्स, क्रिकेट खेलते थे? इन सारी सड़कों में मैं पैदल, बसों में, इन कोनों पे खड़ा होकर बस का इंतजार करना. यहाँ से बस आई. बस पे ट्रैवल करते थे आप? हाँ ऑफ कोर्स. हम क्या सभी करते होंगे उस जमाने में. 10 तक हमारे अब्बा ने बस से नहीं आने दिया हमें. अच्छा. स्कूल बस के अलावा लोकल बस से नहीं आने दिया. तो आपको बहनों का अलाव करते थे, मुझे नहीं करते थे. क्यों? भेदभाव देखो आप. तो उनको नहीं करते, उनको करते थे कि आ जाओ उससे उनके वो, मुझे स्कूल बस से जाओ. जबकि स्कूल बस में लगते थे 2 घंटे और इसमें लगता था 1.5 घंटा. अच्छा. वो सबको ड्रॉप करते थे? ड्रॉप करते थे. सबसे पहले मैं ही उठता था, सबसे आखिर में मैं ड्रॉप होता था. तो वो मेरे साथ तो बहुत नाइंसाफी थी. वो नाइंसाफी थी तो बट आई एम सरप्राइज कि आप. और अगर मैं कभी छुप के बस से जल्दी घर जाता मैं डांट टूटती थी. तो पूछा नहीं आपने कभी क्यों उतने गए थे वो? डरते थे वो सिक्योरिटी. हाँ वो समझते मैं बेवकूफ़ सा भी हूँ. तो था भी शायद भोला सा. फिर कब भोले से आप चलाक कब हुए? अभी भी हूँ चलाक. नहीं हुआ भोले से स्ट्रीट स्मार्ट कब हुए? सर सैयद और हबीब के लास्ट फ्यू ईयर्स विच वन डिड इट? अब ये पता नहीं ना, स्कूल ने किया खुद से हो गए. आई थिंक बाई द टाइम आई वेंट टू माई कॉलेज आफ्टर हबीब सर सैयद. नहीं सर सैयद से पहले जो इंटर किया ना. ओके. वो कहाँ से किया था आपने? डीजे. तो वहाँ पर हमने किया और फेल भी वहीं हुए इंटर में. मैथ में फेल हुआ मैं. सीरियसली? पहली बार जिंदगी में, पहली बार मेरी 80 से कम आई परसेंटेज. 63 आई थी इन फर्स्ट ईयर में. तो मेरे घर में बेहोश हो गया था हसन स्क्वायर पे एग्जाम देख के, वो रिजल्ट देख के. क्या 63? मर गया मैं. क्या तो गया, घर वाले मार देंगे. घर वाले मारा नहीं, ऑफकोर्स क्यों मार देंगे वो. हाँ, ऑफ कोर्स. लेकिन डांटा, नाराज हो गए. हाँ थोड़े अफसरदा हो गए. अब बार थोड़े से अफसरदा से हो गए. प्यार वाला फ्रेंड. सेकंड ईयर में गया अलहमदुल्ला फेल ही हो गया मैथ में दोबारा. तो अच्छा वो उन्होंने कॉपी वापी निकलवाई तो मेरी कॉपी नहीं थी, उनकी कॉपी पे नाम मेरा था, अंदर जो मटेरियल था वो किसी और का उन्होंने लगाया हुआ था. तो मैं उसको भी किसी ने 28 नंबर दिए होते हैरानी. तो मतलब जिस पे आपको फेल किया वो चीज़ आपकी थी नहीं? थी नहीं. तो अब्बा ने कुछ नहीं कहा, घर आके बताया भाई इसके साथ तो नाइंसाफी हुई है एंड ऑल. तो बेटा सप्लीमेंट्री दे दो. उसमें तो मैं जेन्युइनली फेल हो गया. बहुत मुश्किल पेपर था वो, मैं फेल हो गया. फिर दोनों पेपरों का एग्जाम मुझ पर लगे, 2 बार फेल हो चुके. सही. फिर मैं जाके वो तो फिर दोबारा मैंने क्लियर किया ना वो एग्जाम. 97 नंबर आए, 3 नंबर दिया. 97 नंबर आए. मैंने दिन रात सुबह 6 बजे अब्बा उठा के जाते थे ऑफिस जाने से पहले कि उठो पढ़ो. और अम्मी मेरी ऐसी थी कि आप उठा के गए वो सो गया था. बट वो भी परेशान हो गए ना तीसरी बार. दे वांटेड यू टू. अरे मैं इतना मैं जाकिर नाइक बन चुका था मैथ का. रेफरेंस दे रहा था बुक ऑफ ये चैप्टर नंबर 2 लाइन नंबर 3 आंसर ये. इतना रट चुका था मुझे सब कुछ. इतनी बार मैंने और मैं बाकी में तंग आ चुका था. मैं फेल. ऑफ कोर्स आई कैन इमेजिन. आई डोंट इवन नो आपने थर्ड टाइम दिया कैसे. वो कितना अच्छा. जब मैं थर्ड टाइम देने गया ना तो वहाँ पर सारे छठे बदमाश लड़के बैठे हुए थे. क्योंकि वो कहते हैं ना वो कौन से फेलियर्स होते हैं, करियर फेलियर्स थे वो. मतलब आते चले आ रहे थे, उनका एक्सपीरियंस था. हम नए नए फेल होने वाले लड़के थे. तो मैं पूरी यूनिफॉर्म, साथ में थोड़े सैंडविच, एक थर्मस में पानी, ये सब ले. वहाँ पर लड़के पान गुटके मावे, किसी का असला लगा हुआ है. अब मैं हेडिंग डाल रहा हूँ, उन पर हाईलाइटर भी लगा रहा हूँ, 2 लाइनें भी खींच रहा हूँ, फिर ये सब हेडिंग्स भी हैं. तो जो इन्विजिलेटर था ना वो आए, कहने लगे आप क्या एनुअल में बीमार हो गए थे? मैंने कहा जी जी सर मैं बीमार हो गया. अच्छा अच्छा. फिर तभी मैं बोलूँ आप इतना लिख रहे हो. फिर वो गए, उन्होंने ऐलान किया भाई हाँ भाई ये वो सब आ जाओ भाई के पास बैठो. भाई जान आप इन्हें 3 सवाल दिखाओ, ईमानदारी से पास करो बस, और नहीं दिखाना एक भी. 3 दिखाए मैंने. फिर वो लड़के अच्छे लड़के थे, बदमाश जिनको मैं समझ रहा था. उन्होंने चीटिंग वीटिंग की 3 सवालों की. सिर्फ 3 सवाल 33 नंबर. और फिर उन्होंने मुझे मोटरसाइकिल से बस स्टॉप तक भी छोड़ा. वाओ. भाई आप बैठ लो पीछे. तो मैं 2 लड़कों के बीच में बैठ कर बस स्टॉप तक गया. ना सिर्फ आप पास हुए बल्कि मैं 2 लड़कों के दरमियान ही बैठे. मैंने उनको हर तरीके से पास किया. बोली मैं क्या बोलूँ, क्या मैं हंसना बंद कर दूँगी तो बोलूँगी. ओके आई थिंक हम यहाँ से डन हो गए. हम यहाँ से रैप अप करते हैं इसमें और हम यहाँ से निकल के
निकलने की कोशिश करते हैं. नहीं आपने दाल तो ट्राई नहीं की. यू वांटेड टू ट्राई द दाल. बहुत बार खा चुका मैं. बहुत खा के आ रहा था. और वो क्या, वो जो चाय थी ईरानी चाय, वो हो सकती है. वो अभी पब्लिक की भी हो सकती है. वो पिलाएंगे मुझे. मुझे लगता है कि नेक्स्ट लोकेशन वाला हमें चाय पिलाएंगे. हमने बताया नहीं था नेक्स्ट लोकेशन कौन सी. अब आप बता दो. हम जा रहे हैं पाकिस्तान के सबसे खूबसूरत स्कूल, जो कि मेरा स्कूल भी है. एंड आई कैन गारंटी यू दिस, पाकिस्तान में ऐसा स्कूल नहीं है. एचएसएन हो सकता है शायद. क्योंकि फॉरेन रिट्रैक्ट. आजकल कुछ भी क्लेम करने से पहले बहुत सोचना पड़ता है. लोग तजिए ना, ये चेक कर मेरा स्कूल चेक करें. नहीं नहीं, वायरल हो जाएंगे आप. हाशमी फॉर ऑल द रॉन्ग रीजंस. पाकिस्तान में ऐसा स्कूल कोई भी नहीं होगा मेरे नजदीक, क्योंकि मैं वहां से पढ़ा हूं. अब उखाड़ लो जो उखाड़ना. ठीक है जी. सो हम यहां से रैप अप करें और हम चलते हैं हबीब पब्लिक. ओके, सो वी आर इन द कार नाउ एंड हम जा रहे हैं हबीब पब्लिक स्कूल. दैट्स ट्रू. या यस. ठीक है. अच्छा तामिश, मैं देख रही थी, मुझे लगता है आप बड़े कूल डूड होते होंगे कॉलेज में. स्ट्रीट स्मार्ट, यू नो, लड़कियों को ऐसी लड़के पसंद आते हैं ना. राहुल फ्रॉम. तो आपको किसने कहा कि मैं लड़कियां मुझे पसंद कर रही थी? क्यों नहीं कर रही होंगी, कूल डूड थे आप. मैं आपको बताता हूं, देखिए पहली बात तो कुछ नहीं था यार. आप मतलब जितना मैंने देखा, तड़ियां वड़ियां भी देते थे. अब वो आईबीए पे पहुंचते 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 तो बदल चुका था, वक्त बदल चुका था. लेकिन मैं ऑल बॉयज में था, हम जान जा रहे हैं. बना दिया था जिंदगी, वक्त ने एक बार फिर दुल्हन बना दिया था. नहीं नहीं, हीरो बसों के पीछे लिखा होता. कराची की बस के पीछे लिखा होता, वक्त ने एक बार फिर दुल्हन बना दिया. खैर वक्त, मैं अभी पब्लिक स्कूल था, ऑल बॉयज. अभी आप जाके देखेंगे आपको दूर दूर तक सिर्फ आप नजर आएंगी. अच्छा, ओके. टीचर फीमेल टीचर्स भी नहीं होती थी? होती थी. अच्छा, अब ये होने के बाद जनाब अली हम गए कॉलेज. कॉलेज में लड़कियां नहीं होती थी. ठीक है, उधर भी नहीं थी. अब हम इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी गए, वहाँ होती हैं, बताया है किताबों में आया है वहाँ होती हैं. ओके, मगर फिजिकल इन्वेंट्री अवेलेबल नहीं थी. ओके, ठीक है. कागजी बच्चे, गोस्ट लड़कियां थी वहाँ पे. जिस तरह गोस्ट स्कूल होते थी थी बहुत. लेकिन हमारी, अब इससे अंदाजा लगा लें राबिया, की हमारी क्लास में 62 लड़के थे और एक लड़की थी. तो कहाँ थी लड़कियाँ? ठीक है, अब वो लड़की भी जाहिर बात है 62 लड़के, हमारी बहन थी वो. Okay. क्योंकि हम सब तो हम मुश्किल हम, था, ये तो बहुत. अब सब लड़के एक दूसरे से उसको प्रोटेक्ट करते रहते थे. अबे तुझे तो मैं करने नहीं दूंगा, तुझे तो मैं करने नहीं दूंगा. उसी तो, में निकल गया सबका टाइम. ना उसका हुआ ना हमारा, किसी का भी नहीं हुआ. ओहो, ये तो सैड सिचुएशन. बहुत सैड. तो फिर आया आईबीए. फिर मैं आया आईबीए. और फिर खिड़की खुली होगी ना? नहीं नहीं नहीं, अभी 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 सर सैयद में ही हूं मैं. सर सैयद में ही है. सर सैयद में लड़कियां नहीं है तो क्या हुआ? ओके, मैं बन गया ना पब्लिक, तकरीरें करने लगा, पब्लिक स्पीकर बन गया. तो ये तो लड़कियों के कॉलेज में. ओके ओके, लड़कियों के कॉलेज में जा रहा है, गोरा गोरा था प्यारा सा बच्चा. सही बात है, बाल भी सिल्की ऐसे नीचे गिरे रहते थे. ये उठा रहा हूँ लड़की. सही, क्यूट आपने ना वो. भाई उस जमाने में व्हाट्सएप, ये तो था नहीं, ऑर्किड था, MSN था. yeah. और घर के नंबर होते थे या मोबाइल बहुत कम लोगों के पास. तो मैंने ये देखा है कि चार्ट, बड़े बड़े चार्टों में ना नंबर उठा के या MSN की आईडी लड़कियां. wow. ऐसा भी दौर देखा. okay, है. that's so nice. हाँ, मैं अपने लेवल का उस वक्त मशहूर आदमी था. नहीं नहीं, आप अभी भी हैं और बहुत मशहूर हैं. अब तो हो गया ना, उस वक्त की बात कर. जैसे आप पब्लिक स्पीकिंग सर्किट में मुझे पता, लोग जानते थे. कुछ कॉलेजेस ऐसे थे खास. मैं तो कह रही हूँ ना कि आप बहुत कूल था. मैं, आप मेरी तारीफ कर रही हैं. ऑफ कोर्स. तो फिर मैं इतना जोर क्यों लगा रहा हूं? मुझे नहीं पता. मैं तो कह रही हूं कि लड़कियां दीवानी होती होंगी, इधर गिर रही हैं, इधर गिर रही हैं. और मैं अच्छा ऐसा नहीं था. नहीं ऐसा था, होगा सुनिए, मुझे पता नहीं चल रहा था. ही इज प्रिटेंडिंग टू बी कूल नाउ. मैं और तलहा, मेरे दोस्त तलहा, हम दोनों यूनिवर्सिटी में अपने आप को कूल समझते थे सर सैयद में. ओके, तो हम देखते थे यार सबके पास है, लड़कियां हैं, गर्लफ्रेंड्स भी हैं, हमारे पास कुछ नहीं. मैं और तला घूमते रहते. कभी कोशिश की थी आपने? अरे हम कोई, मतलब मैं क्योंकि ऑल बॉयज का था ना, तो मेरे अंदर तो ये था, ये एबिलिटी थी नहीं कि मैं पहले, अभी भी नहीं है. ओके, तो अब जरूरत भी नहीं पड़ी बहुत अरसे से, लेकिन नहीं है ये, मैंने कवर किया इसको. तो गुड कवर. तो ऐसा था कि वो अप्रोच तो मैं कर ही नहीं सकता था खुद से. ओके, तो हम, मैं और तले जो पसंद आती ना, पीछे पीछे घूमते रहते थे. बस घूमते रहते थे, आंखों से इशारा, आंखों से. उनमें से कुछ खवातीन ने 2 साल बाद बताया कि हम भी तुम्हारे पीछे घूमते रहते थे. तो अक्सर ही हो रहा था हमारे पीछे, हम उनके पीछे, सर्कल में हम घूमते रहे. उसी में टाइम निकल गया. हम ये समझते थे यार हम इतने हैंडसम, इतने खूबसूरत, इतने अच्छे लड़के हैं कि लड़कियों को लगता होगा हमारे पास ऑलरेडी है, इसलिए वो हमें अप्रोच नहीं कर रही है. और लड़कियों को लगता था इन दोनों का आपस में कुछ है. इन दोनों का आपस में कुछ तो है. वो हमें अप्रोच नहीं करती. मतलब उस जमाने से आप लोग. हाँ, और ये बहुत काफी चीज था. हम पब्लिक स्पीकिंग करने जाते थे. हाँ. हम सख्त लड़के बने रहते थे बिलावजे में ना, हर लड़की से बात कर रहे हैं तो बीबी कह के कर रहे हैं, बीबी जरा मेरी बात सुनिएगा, इस तरह से बिलावजे में. किसने आपको एडवाइस दी थी यार? हमारे फौजी दोस्त थे ना, वो बीबी करके बात करते, तो हमारे मुंह पे बीबी चढ़ गया. बीबी बात सुने, बीबी आए, उन्होंने जानबूझ के आपको गलत ट्रैक पे डाला पहले, और उनको मिल जाती थी. मैं और मुनीब खड़े रहते थे यूं करके.
वहाँ पर भी लोग समझते थे मैं और मुनीब के अंदर कुछ चल रहा है, दूसरा दोस्त है मुनीब मेरा। ये मतलब आप ही को क्यों एसोसिएट कर रहे हैं सब? ये कॉमन फैक्टर आप हैं। अच्छा मैं ये सख्त बिला वजह की मजबूती सख्ती और ये जो नाराज लड़के बने रहते थे ना हम लोग, इस वजह से हमारे साथ ये हुआ। तो आप ये एडवाइस करेंगे लड़कों को कि ये नाराज लड़के बनने की बिल्कुल जरूरत? अबे हाँ भाई, और बीबी तो बिल्कुल बोलना ही नहीं, ओरिजिनल रहो। ये बिला वजह में सख्त होगा, यूं होगा, जी बीबी इधर आइए, नहीं ये मतलब बेटा आजकल तो वैसे भी सॉफ्ट हीरोज चाहिए भाई, सॉफ्ट हीरोज का जमाना है आजकल। सॉफ्ट हीरोज? हां मुझे नहीं पता सॉफ्ट हीरो क्या मतलब हुआ। वही ना जो मुस्कुरा के बात करें, आपके आगे पीछे हो, जरूरत जरूरी है, मगर सॉफ्ट हीरो बन कहां रहे? हीरो तो पहले क्रिमिनल होता है। नहीं अब चेंज हो रहा है थोड़ा ड्रामा में, फिर वो 13 एपिसोड बाद सही हो रहा है। चलें उस पे हम दोबारा बात करें। अच्छा कमिंग टू, तो फिर कभी ऐसा हुआ कि कोई किसी को पटाने के लिए कोई बड़ी मार दी हो आपने और फिर उसको पूरा करना मुश्किल? मैं हाँ। ताजा किस्सा पकड़े आप। ताजा किस्सा? ताजा नहीं है भाई, बहुत पुराना किस्सा। ऐसा था कि हमने हुआ ये कि हमारी एक शुरू का बहुत पहली जो थी तो उनका उनकी उनको डच भी आती है, फ्रेंच भी आ रही है, इंग्लिश भी आ रही है, मुझे इंटेलिजेंस हमेशा टर्न ऑन करती थी। मैं एक बॉय फिजिकल ब्यूटी के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करने वाला लड़का कभी भी नहीं था, मगर मुझे यहाँ अच्छी बातें, इंटेलिजेंस, ये वो सब बहुत अच्छी लगती है, मुझे टर्न ऑन करती है चीज़ें। ठीक है तो हुआ ये कि वो उन उसकी तो हमने ना, मैंने कहा यार इसको तो बहुत ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ें आती हैं, मैं क्या करूँ? अब पोम्स लिख के लिख रहे हैं, मुकाबला हो रहा है कि मैं तुमको अच्छी लगती हूँ, मैं अच्छी लिखता हूँ। तो मैंने ना उसको बहुत इतनी सुपर सुपर लिख रही है, तो मैंने ड्यूरन एक बैंड था बहुत पुराना, मैंने ना उनके लिरिक्स उठाए पुराने किसी गाने के, अंदरून गाने के ना जो मार्केट में नहीं था, और मैंने वो lyrics.com से उठाए और मैंने उसको हल्का फुल्का उसके पंक्चुएशन चेंज करके, तो कैपिटल को स्मॉल करके अल्फाबेट्स को मैंने भेज दी। उसने कहा वाह और क्या कहता, कहने की वाह, मैं 19-20 का था, वाह ताबिश ये वो। उस दिन हमारा बहुत प्यार मोहब्बत बातें ये वो, हम हमेशा के लिए साथ हो गए। और कुछ अरसे बाद वो कमबख्त अमेरिकन आइडल शुरू हो गया। ओफो। उसमें किसी एक और ये देखती रहती थी, वो देखती रहती थी, इसको बहुत शौक। एक दिन आई कहने लगी ताबिश यू हैव मेड इट बिग। हैं क्या हो गया भाई, क्या हो गया? कहने लगी यू हैव मेड इट रियली बिग। मैंने कहा हुआ क्या, बोलो तो सही, सरप्राइज दे रही हो। कहने लगी तुम्हारा जो गाना है लिखा हुआ ताबिश वो अमेरिकन आइडल में क्रिस एलन गा रहा है। कौन गा रहा है? वही क्रिस एलन जो तुमसे मिलता भी है। मैंने कहा अरे, और वो मैंने कहा हाँ हाँ हो सकता है वो एक आध लिरिक ताबिश, इट्स द सेम। फिर मैंने जाहिर तरल्ले, उस जमाने उस जो पहली मोहब्बत होती है ना वो आधा टाइम तरल्लों में खत्म हो जाती है। क्या सबसे ज्यादा क्या तरल्ला किया आपने, मुश्किल कौन सा था? अरे फिर दोस्तों से फोन करवाते हैं ना, उसने सर्फ पी लिया है। हैदराबाद भाग घर छोड़ दिया है, वो बिलीव भी कर लेती थी, अब पता नहीं। ओके बट आ जाती थी वापस, पैचअप ब्रेकअप तो अबे भाई पैचअप ब्रेकअप होते रहते हैं, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, उस जमाने में कोई चीज सीरियस कहाँ होती है। अच्छा ये बताएं ट्यूशन्स, 19-20 साल की उम्र में ट्यूशन्स, आईबीए का टेस्ट याद है आपको? एक जमाना था जब वो लीक हो जाता था अनीस हुसैन के ट्यूशन्स, एक स्टूडेंट्स इन होता था और यहां पे एंट्री, मैं पढ़ता था आईबीए ग्रेड्स में। ओके और मेरे जैसा लड़का आईबीए ग्रेड्स में ही पढ़ सकता था, मैं अनीस हुसैन गया वहां पे फिर खवातीन की, तो अब वो मैं क्योंकि एक चुलबुली हैसियत तो थी, मैं कभी भी कभी किसी खातून को ऐसा अप्रोच नहीं करता था, मुझे बहुत पहले लगती है एक्सक्यूज मी आपका नंबर। मैं क्योंकि एक फनी आदमी था ना, तो क्लास में मैं चाहते ना चाहते मैं सीरियस जवाब भी देता था तो लोग हंस पड़ते थे अक्सर, तो दैट्स सो क्यूट, पीपल वुड लव इट। हां उसकी वजह से पीछे मर रही हूं, उसके वजह से होता था मेरे साथ, तो जब वो एक बार खुद से आ जाती थी ना फिर मैं उनको कहीं जाने नहीं देता था। ओके दूसरी दुकान उनको देखने नहीं देता था, ये नहीं कि आप मार्केट देख लो अगर आपको इससे अच्छा मिल जाए, ये नहीं, नहीं आप आयो इधर ही से, आप जो है आपको मैं यहाँ दोस्ती के बंधन में बांध दूंगा। ओके तो आप आईबी ग्रेड से, आईबी ग्रेड गया, वो ऑल बॉयज का था वहाँ पे, वो थोड़ा सा दीनी माहौल बहुत था। ओके तो मैं वहाँ पे थोड़ा सा आउटकास्ट सा भी लड़का था, लेकिन वो उन्होंने मेरे पे बहुत फोकस किया, बहुत प्यार से पढ़ाया और उन्होंने बहुत अच्छा तरह से, अभी भी मेरी उनसे मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ अस्सर भाई की जो उसके ओनर है,
तो वो उनकी वजह से मैं आईबीए गया। बट यू रिमेंबर दैट टाइम ना जब वो कितना होता था यार, टेस्ट आखिर का टेस्ट, इसका टेस्ट, कितना प्रेशर होता था। और मैंने बहुत तैयारी, बहुत रिलीजियसली तैयारी की थी आईबीए। इंटरव्यू कैसा गया था आपका? बहुत अच्छा गया था। और डिस्कशन में यू वर आपने तो डिस्कशन में ऐसे ऐसे आप किसी को बोलने का टाइम दिया था? नहीं, मैं यहाँ मुझे याद था याद नहीं, पॉपुलेशन के ऊपर कुछ था। ओके, और मैंने आईसीएसबी भी दिए, उसके अंदर भी सारे ताम झाम किए मैंने। आईसीएसबी का अपनी क्या थी, लेकिन मैं उस जमाने में इंटर करने के बाद हर जगह अप्लाई कर रहा था। अच्छा। और हमारी मेरी दोस्त यार जो थे, मेरा सर्कल जो, वो भी यही कर रहा था उस जमाने में। तो आई एम श्योर अभी भी होता होगा, बट फोर्सेस वर वेरी ग्लैमरस। अभी भी जाते होंगे लोग, अभी भी कमी नहीं है। हाँ हाँ, बहुत ग्लैमरस थी, हम नेवी के लिए गए और मैं फिजिकली तो काफ़ी वहाँ पे अजाइल था अमंगस्ट ऑल द पीपल देयर। और मुझे लगता था मैं इंटेलेक्चुअली भी थोड़ा सा था, अंग्रेजी मुझे आती थी, मैं इंटरव्यू भी बोल सकता था। लेकिन उसका क्राइटेरिया क्या है, नोबडी नोज। हाँ, वो बता दिया कि नहीं। लेकिन मैं एक चीज़ ज़रूर ऑनेस्टली बताना चाहूँगा, क्राइटेरिया का मतलब ये नहीं है सिफारिश ये वो, ये नहीं, वो नहीं होती उसमें। okay, जो सेलेक्ट हुए वो ऐसे नहीं बच्चे थे जिनके बाप अमीर होंगे और ये होंगे, ये तो बात सच्ची है, ये नहीं होता। बट वो उनके अपने कोई हैं जिसकी वजह से हम, मेरे अंदर जो था ना, मैं बताता हूँ, कैमराडरी शायद कम थी। okay. मैं तंग आ गया था जिस ग्रुप में मैं था, उसमें वो लड़के जो थे वो एक ही जगह पढ़ते थे सारे, और मैं सिर्फ अकेला था उनमें, तो वो ना मुझे मुश्किल था वैसे भी। हाँ, और मुझे उस वक्त ये ख्याल नहीं था कि चलो मेरी टीम में ऐसी, अब तो मुझे मेरी सबसे स्ट्रॉन्ग जो मैनेजेरियल स्किल है वो है टीम बिल्डिंग। उस वक्त तो जाहिर बात है नहीं थी वो, तो अब वो थोड़ा सा वो भी हो चुका है, ऑब्सोलीट सिस्टम भी है वो। ट्रू, वी आर पासिंग बाय मैरियट। मैं भी जी मैरियट है। फेसल बैंक की बिल्डिंग तो भी है, तो रीसेंट है। एंड ये एम्बेसी है जापान की। एंड आई वाज गोना टॉक अबाउट द फेयर हॉल। फेयर हॉल, कोई मेमोरी है कोई इस रोड पे गुजरते हुए? यहां पर बस ये कराची ईट्स। अरे यार, और पीएससीसी वाली चाहिए मुझे। पहला स्टैंड अप शो वजीफा पढ़ते हुए गुजरना है, नजरें नीचे रखनी है। कुछ लोग यहाँ दुआएं पढ़ते हुए भी जाते थे यार, अमेरिका की एम्बेसी है, दुआ पढ़ लो। सिंध क्लब, द मोस्ट एलीट क्लब ऑफ पाकिस्तान, सिंध क्लब। ये जो देखें आप, ये आपको शायद नजर नहीं आ रहा, मेट्रोपोल होटल। एक जमाने में इसका जो अपर फ्लोर है ये सारा स्विस एयर ने या किसी बड़ी एयरलाइन ने पूरा उनके पास था, उनके क्रू रहता था। ये इतना आइकॉनिक होटल था, इन्हीं का था शायद, आवारी साहब का ही था ये शायद, ये भी। तो अब ये देखें यार, इस बिल्डिंग को क्या कर दिया उन्होंने, शुड हैव बीन रीस्टोर्ड, रेनोवेटेड। आई रियली विश कोई सुन रहा हमारा और कोई बात सुन नहीं रहे होंगे, अगर कोई नहीं, विश का क्या मतलब, आपके सब्सक्राइबर नहीं है क्या? मतलब कोई ऐसा जो ये कर सके ना, सब्सक्राइबर्स तो माशाल्लाह से बहुत हैं, बट जो ये कोई कर सके, कोई करता धरता, कोई ऐसा बंदा जो, इसके ऊपर कोई केस है क्या है, इसको गिराना भी मुश्किल है। पाकिस्तान में बिल्डिंग्स को गिराना बहुत मुश्किल है। अभी वो देखें क्या एडवेंचर हो रहा है, वो बंदा मेन ट्रैफिक में कैसे खड़ा जान पे खेल के ऊपर चल रहा है। और यहाँ पे कहीं बोर्ड भी लगा हुआ है, कराची सिटी ऑफ पीस है ना, सिटी ऑफ पीस। कौन सा भाई, लेग पीस या चेस्ट पीस? जी नहीं, पीस। ओके, अच्छा मैं बताऊँ, एक और सवाल मेरे पास आ गया, मैं इस टॉपिक में आई नहीं रही आपकी तरफ से, जा ही नहीं। कभी कराची में डिस्क्रिमिनेटेड फील किया आपने? मैंने लाहौर में भी नहीं किया। मैंने तो लाहौर की बात ही नहीं की, मैं तो कराची की बात कर रही हूँ। कराची में कैसे कर सकता हूँ, मैं तो कराची का रहने वाला था। नहीं नहीं, क्योंकि आई रियली प्राइड आवरसेल्व्स के हम लोग यहाँ कराची में डिफरेंट एथनिसिटी। मैं आपको एक चीज बता दूं, जिस किस्म की डिस्क्रिमिनेशन है ना, वो इतनी डीप रूटेड है कि उस पे वो मुझे फनी लगती है। Okay. वो अनकॉन्शियसली लोग करते हैं, लोग करते हैं। बहुत सारे लोगों को भी नहीं पता होगा कि वो कर रहे हैं ये चीज, हम मुझे ये छोटा दिखाना चाह रहे हैं। यार मैं नहीं बोल रहा। अच्छा चलिए, ठीक है ठीक है, जब मैं आऊंगा ना तो मैं खुल के बताऊंगा। सियासत में जब मैं आ जाऊंगा, मुझे लगता है वैसे कभी कभी मुझे फील लगता है कि आप जाएंगे सियासत में। मैं जाऊंगा, मुझे मुझे बहुत खड़ा क्या, मैं इस तरह नहीं रह सकता। यू सीरियस? राइट, आई एम वेरी सीरियस अबाउट इट, वेरी वेरी सीरियस। लोग मुझे इतना डिस्करेज कर रहे हैं, इतना डिस्करेज जानने वाले, और इनकरेज वो लड़के बच्चे कर रहे हैं जो, और लड़कियां और लोग जो मुझे मैसेज करते हैं, राजेश भाई आप पार्टी बनाएंगे, हम अभी से आपके साथ हैं। तो वो बहुत लोग मैसेज करते हैं, और मैं बस यार, मुझे ऐसा लगता है मैं बिस्तर पड़े वो वाली, मतलब अल्लाह मियाँ सबको इज्जत वाली मौत दे,
मगर वो रिटायरमेंट के बाद एक बुजुर्ग एक वो साहब का आर्टिस्ट और बुरे हालात में मर गए, मुझे बहुत डर लगता है इस चीज़ से. तो मैं बैटलफील्ड में मतलब बैटलफील्ड का नहीं फौज में चला जाऊँ, मगर अगर कोई मुझे हाँ ये भी बैटलफील्ड है ना, भले मार दे कोई तकलीफ करते हुए कोई मसला नहीं, मगर ऐसा ग्रेसफुल जाना चाहता हूँ. So, कब तक हम expect कर रहे हैं? आप अपनी पार्टी बनाएंगे? Next, मैं अपना करूंगा, मैं नहीं कर सकता. Independent, मैं खुद अपने आप को बहुत बड़ा लीडर समझता हूँ. हाँ. ठीक है. नार्सिसिस्ट नहीं समझता. मुझे पता है कि मैंने राइट पीपल फॉर द राइट जॉब रखने हैं, मुझे सब नहीं आता. एंड अच्छा आप बिलीव करते हैं, जैसे बहुत से लोग आते हैं ना वो कहते हैं बस हम तो सब चेंज कर देंगे, नहीं मुझे लगता है कभी अप्रोच होनी चाहिए यार मैं इतना सा कोना लूंगा, मैं 5 साल के अंदर जो 5 साल की चीजें हैं ना वो कर सकता हूँ, उसके बाद मैं सीड्स बो के जरूर जाऊंगा जो ग्रो करेंगे फर्दर 10 साल 20 साल 25 साल में. आपको पता है ना मैं आपकी फैन हूँ थी. थैंक यू रबिया. अब तो आपने मेरा दिल 150% जीत लिया ये बात करके. क्या बात है. क्योंकि मैं कहती हूँ जो लोग जिनमें कैपेबिलिटी हो और रिसोर्सेज हो कि वो कुछ कर सकें और वो करें तो उनसे ज्यादा बड़े हीरो कोई नहीं होते. बिकॉज अनफेयर होगा मेरे अपने साथ, मुझे ऐसा लगता है मैं अपने पोटेंशियल को अंडर यूटिलाइज करूंगा. ताबिश आपने तो बाकी रो पड़े. यहाँ अम्मा पान, ये कराची का PIDC का मशहूर पान, यहाँ पे एक अम्मा बैठती थी आज से कई 50-60 साल पहले एक टोकरी में पान लेकर सिलोन के जो PIDC का पान खाया लेकिन अम्मा वा पान वाला नहीं वाला ये अम्मा फिर उनके बच्चों ने संभाला फिर बेच दिया खत्म हो चुका है. बट ये बहुत मशहूर होता था एक जमाने में, अब तो आई डोंट नो. ये PIDC का ब्रिज है जी, बड़ा आइकॉनिक. ये बिल्डिंग होटल हयात बना, इसके बारे में कई चीजें हैं कि ये उन्होंने बनाया था, उन्होंने बनाया भी, होटल हयात बनना था वो भी नहीं बन रहा अभी. हम पहुंच गए हबीब, दिस इज द हबीब स्कूल, हबीब एजुकेशन सेंटर. नाइस एंट्रेंस, नाइस है. आप सही कह रहे थे, इट्स वेरी नाइस, बड़ी ग्रैंड. और ये सब बाद में बना अभी पब्लिक के, यहाँ कुछ नहीं होता था ये सब. ये जब हबीब पब्लिक बना था आज से 60 साल पहले तो यहाँ किमाड़ी का समंदर टकराता था दीवारों से. 1970 में बॉम्बिंग हुई हबीब पब्लिक के अंदर, जिसमें जिसके नतीजे में स्विमिंग पूल बनाया गया. ओके, उसके नतीजे में स्विमिंग पूल क्यों? गड्ढा इतना बड़ा हो गया था, भरने के ज्यादा पैसे थे, पूल बनाने के कम थे. यू जोकिंग आर यू? नो, आई एम नॉट कहीं, मुझे टीचर ने एक बताया था. ओके, दिस इज सच इंटरेस्टिंग फैक्ट्स. सो दिस इज माय स्कूल, ब्यूटीफुल. दिस इज द प्राइमरी सेक्शन, ऑल ऑफ इट. हम आई लव द कलरफुल, वो जो डोर्स कितने कलरफुल हैं. जी हां जी हां. एंड वाकई बड़ा ग्राउंड है. दिस इज ये यहां क्लास 1, ये तो अभी छोटा है. Yeah. ये दिस इज ये प्राइमरी स्कूल का फुटबॉल या हॉकी स्टेडियम है. ठीक है. ये है और ये वो यहाँ पे एस्ट्रोटर्फ नहीं डला हुआ, मगर इस ग्राउंड पे जो घुटने छिले हैं हॉकियाँ खेलते हुए, इस ग्राउंड पे हसन सरदार, इस ग्राउंड पे पाकिस्तान सोहेल अब्बास, यहाँ से इन ग्राउंडों पे खेले हैं ये. और अब हम जा रहे हैं, ये पाकिस्तान का वाहिद स्कूल है जिसमें एस्ट्रोटर्फ डला हुआ है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स का. और ये कितने साल पहले से है? ये अब इसको एस्ट्रोटर्फ को तो काफी साल हो गए. मैं कह रही हूं कि मतलब इतने साल पहले, बट सी हाउ वेल मेंटेन इट इज. इट्स सो वेल मेंटेन, इट्स ह्यूज. मैं अंदर आई हूं एंड आई एम जस्ट अमेज्ड. इट इज, आई एम सो प्राउड ऑफ माय स्कूल. मुझे बहुत अच्छा लगता है अपने स्कूल के बारे में लोगों को बताते हैं. एंड आई एम सो हैप्पी. मैं बात बोलना चाह रही हूं, जब यूजुअली हम इस शो के लिए कन्वर्सेशन करते हैं तो लोगों को मुश्किल होती है सोचने में, क्या इट वाज सो इजी. ताबिश ने मुझे ऐसे ऐसे यहाँ जाना, यहाँ आई वाज सो ग्लैड बिकॉज अदरवाइज इट्स अ स्ट्रगल. हां नहीं नहीं, तो चलिए जी हम चलते हैं स्कूल. हां जी. स्कूल कैप्टन. अच्छा, आप किस हाउस के थे? ब्लू हाउस का था मैं. ब्लू हाउस नाम चेंज हो गए, वो पहले से थे गुलाम एंड शरीफ. वो तो बिल्डिंग नेम, वो बिल्डिंग के नाम से. अच्छा, हाउसेस अलग था, बिल्डिंग नेम अलग. हाउसेस अलग. ओके, तो आप किस बिल्डिंग में होते थे या वो चेंज होती है? वो मैं ये दाऊद गुलाम अली हाउस में था, 5K में था मैं. के अच्छा, के जो थे ना ये यहां पे होता था KLMNO. ये सेकेंडरी के सेक्शंस होते थे अच्छे पढ़ने वाले, के में उससे थोड़े हल्के एल में, फिर एम, फिर एन. ताबिश, आई एम गोइंग टू टेक यू टू द प्रिंसिपल. मेरा रेगुलर था जब ये इरेगुलर था. हाँ, मैं तो रोज पढ़ता था. वेरी इंप्रेसिव, बहुत. आई एम जस्ट लविंग द बिल्डिंग और इतना अच्छा लग रहा है और बड़ा प्राउड मोमेंट है. मैं इन लोगों को ये कही थी कि कराची में इतनी अच्छी फैसिलिटीज का स्कूल होना. हम असल में सुबह लेट इसलिए होते थे, हमारी बस उतारती थी गेट पर, हम उतर भी जाते थे सुबह कोल्ड ड्रिंक चाय पीने बाहर. तो वहाँ गेट से एंटर होते थे और यहाँ तक पहुँचते पहुँचते हम लेट हो जाते थे. तो हम रोज पनिशमेंट में हाथ खड़ा करके खड़े रहते थे दोपहर में. मैं तो हर किस्म की पनिशमेंट करके दिखा सकता हूँ क्योंकि मैंने सब ली हुई. नील डाउन सब सब मैं दो दो बार तीन तीन बार रोज का था. एंड अगेन यू आर इन द प्रिंसिपल ऑफिस. ये मेरा रैंक, ये तो चेंज हो गया अब. मेरा ये शबीर अब्बास साहब का जिम था यहाँ पर. शाम तक क्लासेस होती थी, लेट
फिर गेम्स पीरियड होते थे तो आखिरी पीरियड में अक्सर लड़के बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड होते थे तो कहते सर पढ़ाई नहीं, अगर रिपीट पीरियड है फिजिक्स के दो पीरियड है दूसरा पीरियड है तो वो कहते सर पढ़ाएँ ताबिश को सर ताबिश को। अब क्या करता है भाई ताबिश सर बुलाएं तो सही। बुलाया तो अब वो हाँ भाई क्या करते सर वो थोड़ी नकलें। अच्छा किसकी? सर इन टीचर की। उतारो। उतारते उतारते उतार अब आखिर में ना यही वही टीचर बच गए। अब वो घबराते रहते थे कि यार ये अच्छा चलो करो तो मैं उनकी भी अरे बदमाश ये करके। अच्छा तो एक टीचर ने सारी नकलें सुन के ना जाके शिकायत कर दी इकबाल साहब को कि यार ये नकलें उतारता है इकबाल साहब सबकी और ये वहाँ पे हर टीचर हमारा मजाक उड़ा रहा है कि ताबिश की नकल ऐसी थी। तो इकबाल साहब बहुत अच्छे आदमी थे तो उन्होंने बुलाया मुझे तो आप हैं वो नकलची? मैंने कहा जी जी ये जी सर। किस किस की? सर सबकी। चलो मेरी करो। वाओ तो उनकी की हंसे ये अच्छा था उनका। हाँ बेटा जो जिनको बुरा लगता है उनके साथ नहीं किया करो बच जाना। दूसरी ये कि ये जो ग्राउंड है ना ये पनिशमेंट का एक फील्ड थी इसमें रूहें घूम रही होंगी बहुत सारे बेबियंस की क्योंकि सजा ये नहीं होती थी कि मारा वारा ग्राउंड के चार चक्कर लगाओ। अब इस ग्राउंड के लगाएं चार चक्कर लड़के बेहोश हो जाते थे। एक सजा होती थी रोलर चलाने की वो भी चलाते थे। हाँ रोलर चलाओ। मुझे सलीम रजा सर मेरे टीचर। सर कैसे? सर हमारे हमें फिजिक्स पढ़ाते थे नाइन्थ टेंथ में और अब तो खैर एडमिशन्स वगैरह सभी देखते हैं। सर बैठे ना। सर ने मुझे बहुत मारा है। एक बार मैं नाइन्थ क्लास में था सर नाइन्थ एम में तो हमारे अरशद साहब थे उनसे ना मेरी बड़ी जान जाती थी। वो मुझे बहुत ज़्यादा वो करते थे तो नहीं आए तो मेरा सब्सिट्यूट टीचर मैं तो डांस कर रहा था मैं नहीं आया खिड़की से सलीम सर सलीम ने देखा तो अंदर घुसे और मुझे जिस्मानी रिमांड पर ले गए। आप बताएं कोई ताबिश की बात आपको याद है? कैसे स्टूडेंट थे ये? नहीं ये वाला वाकया तो याद है मुझे। उसके अलावा क्लास भी याद है कौन सी? नाइन्थ टेंथ की। सब आखिरी कुर्सी पे बैठे हैं बैक बेंचर तो अब तो आपको बहुत प्राउड फील होता होगा जब आप देखते होंगे इनको इतना माशाल्लाह। नहीं आई फील माय सेल्फ के अब तक मैं इस तरह हूं कि सब बच्चों की वजह से कि जो मुझे जो है अप्रिशिएट करते रहते हैं। अरे नहीं जब आते हैं एवरीबॉडी हु कम्स। अच्छा सर इज आल्सो आवर अलमना। सर भी अभी है। वाओ फॉर 10 इयर्स एंड देन ही दिस इज हिज 60th ईयर इन दिस स्कूल। माशाल्लाह माशाल्लाह। और स्कूल को भी इतने साल हुए। मेरे सारे कजन्स को भी सर ने पढ़ाया है। मेरे सारे कजन्स इधर से पढ़े हैं। आपका आपका नाम यूज करके करते थे? हम तो ताबिश के कजन नहीं नहीं बड़े उम्र के। अच्छा बड़े वाले। मैं सबसे छोटा हूं। एक ही छोटा यहां से वो आपने शायद उसका नाम तुम तो जानते हो। समी को मैंने पढ़ाया। समी हमारा भांजा लेकिन वो है बाकी सब। कभी कभी जब कजन्स बड़े हो तो वो मुश्किल क्रिएट करते हैं। आसानी थी वो सब भी को अच्छा नाम छोड़ के नहीं है। हाशमी वो सितारे इम्तियाज जब भी मिला था अभी उनको बुलाया तमगा इम्तियाज मिला तो बुला वो काफ़ी आते थे तो वो एक अच्छे रेप्यूटेबल आदमी कजन थे हमारे। बाकी किसी ने कोई नाम नहीं छोड़ा। ये राबिया जिसने अभी पब्लिक स्कूल लिखा है ये कैम्ब्रिज बिल्डिंग होती थी। आप पता नहीं क्या होता है। अच्छा फैसल कुरैशी को जानती हैं आप? कौन से वाले? वो जो तीसरे नंबर वाले सबसे कम मशहूर जो है। अच्छा ओके तो एमबीजी हो गई। हाँ, दूसरे वो टीवी वाले हो गए। तीसरे वाले जो एंकर है ना वो यहाँ के पढ़े हुए। ओके ओके माशाल्लाह से शोएब मोहम्मद यहाँ के पढ़े हुए। अली हैदर यहाँ के पढ़े हुए। वाओ और कौन कौन है भाई? अयाज समो यहाँ के पढ़े हैं। हसन अकानी रजा रब्बानी शाहिद खाकान अब्बासी मिफ्ता इस्माइल बहुत लोग पढ़े। बहुत बड़ी लिस्ट है भाई माशाल्लाह माशाल्लाह से। और फिर टपाल के ओनर और फिर ये अफरोज केमिकल्स के ओनर सब इधर ही से पढ़े हैं। सो दिस इज द वर्ल्ड फेमस पूल जिसके बारे में आप बता रहे थे। और ये इतनी शोमा रही है इतनी शोमा रही है ताबिश थे सर सलीम बात करने में। एक बात बताइएगा मैं राबिया को एक फैक्ट बता रहा था कि 1971 वॉर में यहाँ बॉम्बिंग हुई थी इस जगह पर है तस्वीरें लगी। अच्छा अच्छा हाँ उसकी तस्वीरें लगी अभी दिखाते हैं आपको। बेसिकली हुआ ये था कि कराची में ब्लैकआउट था और यहाँ पर पूल भरा हुआ था तो फुल मून में रिफ्लेक्ट हो गया। अच्छा पूल उसकी मुझे किसी ने बताया था पूल उसकी वजह से बना है? नहीं नहीं पूल तो इस पहले से था। 64 से की बात ये है कि इतनी बमबार्डमेंट के बावजूद जो है इस पूल में कोई इसको गंदा नहीं होने दिया लाला ने इसको साफ करता रहा। ऐसा फील हुआ जैसे ये देखिए ऐसा फील हुआ जैसे कोई शिप खड़ा हुआ है। हाँ 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 ये बनाया भी इसी लाइंस पे था ऑडिटोरियम शिप के लिए। अच्छा तो आई यू वर टेलिंग अस अबाउट द पूल के ये पूल जो है ये काफी डीप है 12-14 फीट गहरा है अपने इसमें
और वहाँ से अच्छा लड़के जो होते हैं ना वो रेलिंग पकड़ के डीप तक आ जाते हैं, तो जो इंस्ट्रक्टर थे गफूर साहब अपनी होते वो चले गए यहाँ से, वो कूदते थे और जो डीप में जो पकड़ के आते थे उन बच्चों को बीच में फेंक देते थे, तो बच्चे यूं करके स्विमिंग सीखते थे। हमने स्विमिंग सीखी, यहाँ हम नमाज पढ़ते थे और हाँ पाकिस्तान में मौजूद तकरीबन तमाम फिरके एक साथ नमाज पढ़ते थे माशाल्लाह, हबीब अल्लाह में सारे लड़के, दैट वाज द बेस्ट थिंग, दैट वाज द बेस्ट थिंग, ऐसे सलीम सारे लड़के एक साथ पढ़ते थे, कोई ये नहीं था कोई कौन क्या है क्या नहीं है, बट दिस इज सो मुझे सबसे अच्छी, इट्स सो नीट एंड क्लीन, इट्स सो नाइस, इतना अच्छा लग रहा है। ये हमारा ऑडिटोरियम आइकॉनिक ऑडिटोरियम है, इसमें हमने लाइनों में लग के दाल चावल, चलिए भाई अब हम ऑडिटोरियम चलते हैं। सूरज पड़ता है तो ये टाइम बताता है, ये कैफेटेरिया है, इधर से बहुत चेंज हो गया, इधर स्टाफ रूम्स होते थे, दे आर गॉन नाउ, यहाँ पे सर 3:30 के बाद ना बची हुई चाय हम पीते थे, फ्री मिलती थी तब भी पैसे लाला फ्री में पिलाता था अपने को, ताबिश भाई चाय है आ जाओ आ जाओ, कुछ ऐसे पहले आप आए थे तो दैट वाज द फर्स्ट टाइम यू केम आफ्टर, हां वेरी लॉन्ग टाइम, यस, हां ये देखें जी, नाइस, खाने की खुशबू आ रही है ना, वन ऑफ इट्स ओन काइंड इन द स्कूल, स्कूल के अंदर ऐसे नहीं होते, सो ये वो जगह थी जहाँ पे वो चमचे ऊपर बजते थे, चमचे ऊपर बजते थे, यहाँ पर चाय की प्याली तोड़कर शोर मचाने का हमारा प्रैक्टिस थी, और चाय की प्याली तोड़ने पे कोई कुछ नहीं कहता था, अरे वो इतने पुराने हो चुके थे, हम चाहते थे नए आए यार सब तोड़, सब इतने पुराने, कब अगर आपके स्कूल में कोई चीजें पुरानी होंगी तोड़ दे उन्हें, 25 पैसे की चाय थी जब मैं पढ़ता था, टंकी में 25 पैसे की, 1 रुपए में कितना कुछ आ जाता था, क्या क्या आता, 4 चाय, चार चाय, 5 रुपए का टोकन मिलता था बिरयानी का, जिसमें मटन की बीफ की इस तरह की बिरयानी थी, क्वालिटी बिरयानी, और जिस और अगर पीटीवी वाले शूटिंग करने आ रहे हैं तो चिकन कोरमा भी था, ऐसा था ना सर, ये वो दीवार है, दीवारें गिरिया कहता हूँ मैं इसे, क्यों ये इसलिए यहाँ सारी पनिशमेंट यहाँ मिलती है, यहाँ मिलती थी, ताबिश हाशमी का रेगुलर डे यहाँ पे हाथ ऊपर खड़ा मिलेगा आपको, या नील डाउन मिलूंगा या बुर्का बना मिलूंगा, करते क्या थे आप, इराक में भी कुछ हो रहा होता था ना हमला, हाँ। हमला तो वो कहते ताबिश नहीं करवाया, अच्छा ये देखिए जरा, मतलब ऐसा तो नहीं होते, तो कुछ तो करते होंगे तब, वो बद से भरा बदनाम, शुरू के कुछ काम मैंने किए थे बड़े काम, उसके बाद हर काम मेरे ऊपर था, मैं यहाँ खड़ा रहता हूँ, टीचर आते जाते जलील करते रहते, तुम यही गए हो, ये हमारा हेडमास्टर का कमरा था, ये हेडमास्टर उनका हाल हो गया सर जाफरी साहब का, वो हेडमास्टर होते थे, यहाँ डिप्टी हेडमास्टर बैठते थे और यहाँ केनिंग होती थी हल्की सी, तो हल्की सी, यूँ मुझे कहते थे हाथ रखो और फिर हल्के, एक दिन मैं आया, मैं जो तो ऑटो पर तय था, मैं आया, मैंने हाथ रखा, कह लेंगे बेटा क्या हो गया, मैंने कहा सर केनिंग, कह लेंगे नहीं अब्बू से काम है तुम्हारे, अच्छा इसे कुछ कोट्स भी लिखे हैं भाई, नाइस, क्लास आपकी, मैं दिखा रहा हूँ, ये देखें जी बच्चों की पेंटिंग्स, प्रिविलेज्ड हैं बच्चे जो आज के लिए कर सकते हैं, अच्छा बनाया, दिस इज रियली नाइस, या एक बात तो है ताबिश, क्या कि यहां से बहुत, आपने है ना बोला कि यहां से बहुत कुछ मिला है मुझे, ये भी और तो यहां आके उम्मीद आती है, हां उम्मीद आई या नहीं आई, हां आती है या नहीं, कितना कुछ हो रहा है इस मुल्क में, नहीं हमें पता नहीं है, हमें पता नहीं है, मतलब वी टॉक अबाउट द नेगेटिव्स, आई एम सेइंग पॉजिटिव्स आर आल्सो देयर, ये जी 10th के थी जमाने में, ये 10th M, मैं कंप्यूटर सेक्शन में आ गया था, उसका M होता था, तो दिस वाज माय लास्ट क्लास, ये देखिए जी प्रोजेक्टर इक्विप्ड क्लासेस हैं, हर चीज इसमें अवेलेबल है, और नाइस एंड टाइडी क्लासेस हैं, दे डोंट स्मेल बैड एंड ऑल, नहीं इट्स वेरी साफ होती है, और ये सब 60-65 साल पुराने, ये विंडोज जो है ये ब्लाइंड्स हैं पुराने जमाने की, तो ये ऊपर नीचे खुलती हैं, बड़ी सख्त हुई हैं इस तरह से, ठीक है, तो हम ये जब स्कूल में पढ़ते थे ये तख्ते निकाल के क्रिकेट खेलते थे और यहाँ से फिर बंक करने की खिड़की 2-4 तख्ते निकाल के तो निकल गई, यार वो सर 23 साल से ढूंढ रहे हैं निकाली, मैं यहाँ डांस कर रहा था, ताबिश यहाँ डांस कर रहे थे और मेरे सर मुझे वहाँ से, सलीम सर वहाँ से देख रहे, और फिर आके उन्होंने और फिर जो मुझे वो रिमांड पे ले गए, रिमांड में ले लिया, फिजिकल रिमांड, ये कॉलेज बना है, नया बना है, अब मैं आई डोंट नो अ लॉट अबाउट दिस बट नाउ हबीब पब्लिक स्कूल आल्सो हैज अ कॉलेज, सो यू गो टू हबीब पब्लिक स्कूल देन टू कॉलेज देन टू प्रोबब्ली हबीब यूनिवर्सिटी, ओके
आए चलते हैं अब आप उस जिमनेजियम की तरफ जिसका जिक्र मैं करने जा रहा हूँ। ये इंडस टोयोटा ने बनवाया जिमनेजियम और स्कूल भी इसके मेन से जाएंगे कि सीढ़ियां नहीं कोपचे होते थे हमारे एग्जाम्स में पढ़ना। अच्छा एग्जाम्स में ना इम्तिहान शुरू होने से पहले एक डेढ़ घंटे की तैयारी का टाइम मिलता है पब्लिक में, तो हम ये सीढ़ियां चढ़ के कोने में बैठ के सारे लड़के वही डेढ़ घंटा ही पढ़ते थे बस वही डेढ़ घंटा था। आइए जी ये छोटे से इनाम है ऐसे इतना नहीं है कि ये लिमिटेड टू दिस होगा। नो दिस इज जस्ट लाइक इंडिया से अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से जीती है ये अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में जीती है अभी पब्लिक ने जाके। मेरे फादर यहाँ से पढ़ते थे मेरे फादर और मदर ने यहाँ से पढ़े और मैंने यहाँ से पढ़े। ओह वाओ अमेजिंग दैट्स सो कूल। दिस वन इज द चैंपियनशिप ट्रॉफी ऑफ सिंध ओपन फॉर 16 इयर्स 16 हाँ 16 साल तक सिंध ओपन की ट्रॉफी हमने जीती है। हबीब पब्लिक स्कूल में एक बार एक इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन था तो एक स्कूल है गवर्नमेंट स्कूल नासीपाड़ा वहाँ से बड़े बच्चे आए ना अब हम बताएंगे कैसे खेलते हैं हॉकी वॉकी 32-0 हबीब पब्लिक ने घर भेजा था उनके हाथ में बॉल ही नहीं गई थी। Oh my goodness, this looks amazing. So, हम इस वक्त सेंटर में हैं। ये टोयोटा जिमनेजियम है हबीब पब्लिक स्कूल का। इसके अंदर so impressive, मेरी तो आंखें और मुंह दोनों खुले के खुले रह गए। इसके अंदर दो बास्केटबॉल कोर्ट्स हैं, ये सेंट्रली एयर कंडीशन्ड है और ये NBA अप्रूव्ड है। और पीछे देखें जी ये HPS लिखा हुआ है। Oh, it looks so cool. मैंने अभी देखा वाकई। ये दीवार पे नहीं लिखा हुआ, ये हजार सीटें हैं। ये जब खींच के सामने लेकर आएंगे तो ये स्टैंड्स बन जाते हैं और ये 1000 लोगों की कैपेसिटी है। मैं सोच रहा था भी जब बच्चे बैठे होते होंगे और गेम मैंने बोला है इसके फुल में ओफ अल्लाह क्या इसके शॉट्स में आपको देखो मेरे इंस्टा पे पड़े हैं साउंड द साउंड इट मस्ट बी सो ताबिश ताबिश सीख रहे थे आप सोचें मैं पहली बार अपने स्कूल आ रहा हूं और इतने सारे बच्चे ताबिश ताबिश सीख रहे हैं बहुत एक्साइटेड था आंख में आंसू आए या नहीं है ना आई थॉट सो यू वुड यू नो यू रिमेंबर आई मैसेज यू जी 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 बिल्कुल बिल्कुल मैंने कहा नहीं बच्चों के होते हुए ताबिश अच्छा ये स्टेज अब बन गया है यहाँ लोग परफॉर्म करते हैं आप सोचें यहाँ कोई कंपटीशन या स्टैंड अप रूटीन हो रहा हो तो कितना क्राउड हो हजार लोगों और मजा कितना है ना रिस्पांस देखे जी सर मैं आया था बट वो जगह जहाँ पे स्पोर्ट्स खेलने की इतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती हैं सो आई थिंक इट्स अ वेरी प्राउड मोमेंट कि स्कूल ने बच्चों को इतनी जबरदस्त और आप ये देखें अभी भी आपने जितने स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज देखी हैं सारे वो स्पोर्ट्स हैं जनरली नहीं खेले जाते पाकिस्तान अब कहाँ बच्चे खेल बट सो इट्स सो इनकरेजिंग। आइए जी चले जिम बनाया है भाई super लड़कों cool के लिए काफी है सुपर कूल है ना आपके टाइम पे भी था ये दूसरा था नीचे था जिम तो था जिम था एंड इट्स पार्ट ऑफ द बेसबॉल अब नहीं होता ना पहले होता था बेसबॉल एंड इट्स पार्ट ऑफ कि बच्चों को करना ये लाजमी है मेंबरशिप लेते होंगे मेंबरशिप ओके यहाँ पे आप डिफरेंट गेम्स के साथ रजिस्टर हो जाते हैं फिर आपको सिखाते हैं फिर आप उसकी टीम तक अप्रोच कर सकते हैं जब स्विमिंग टीम स्विमिंग करती है ना प्रैक्टिस तो उनको स्विमिंग के बाद हमारे जमाने में एक गिलास दूध एक केक पीस दो केले मिलते थे उनकी डाइट का भी ध्यान रखा जाता था कि लड़के सिर्फ खेलना सीख नहीं रहे हैं वो उसके लिए टीम के लिए तो कुछ भी नहीं था अरे भाई इंडिया जा रहे हैं सिंगापुर जा रहे हैं बगैर पैसों के यार स्पोर्ट्स के अलावा ले जाते हैं आप लोग क्या सिर्फ स्पोर्ट्स नहीं जाते उसके स्पोर्ट्स के अलावा बच्चों को हमारा वो होता था जिसे कहते हैं पाकिस्तान टूर होता था तो इंटरनेशनल टूर भी होते थे उसमें बच्चे जाते थे मलेशिया दुबई श्रीलंका इंडिया इंडिया बहुत जाते थे व्हाट क्लास किस क्लास से शुरू करते हैं डिपेंड्स लाइक द प्लेयर्स नहीं मैं नॉन स्पोर्ट्स की बात कर रही हूं नॉन स्पोर्ट्स में लेके जाते हैं बच्चों को या नहीं नॉन स्पोर्ट्स में जस्ट पाकिस्तान पाकिस्तान टूर फाइनली अब हम थक हार के बैठ गए हम वाकई में थक गई उतना बड़ा स्कूल माशाल्लाह माशाल्लाह से इतना हमने राउंड लगाया है इतनी चीज़ें देखी हैं और अभी हमने क्या 50% कवर किया 50% स्कूल 50% कवर किया हम अभी जूनियर पे नहीं गए हम जूनियर सेक्शन नहीं देखा हमने प्राइमरी म्यूजिक रूम नहीं देखा हमने लाइब्रेरी अभी नहीं देखी हमने हमने बहुत सारी चीज़ें नहीं देखी लर्निंग पार्क्स नहीं देखे हम दोनों की हालत ख़राब है इस वक्त हम लग रहा है कि काफ़ी अब हम वैसे जस्टिफाइड हो सकते हैं एक बर्गर खाने के लिए इतना हमने कैलोरी बर्गर बन सकता है एक इतनी कैलोरीज हमने इस वक्त वॉक कर करके तो आप मुझे ऐसा लगता है स्कूल वाले हमें चाय बिस्किट देंगे देंगे ओके ऐसे दावश आपका नाम नहीं नजर आया मुझे कहीं लिखा हुआ ये क्यों मेरा नाम आपको मिलेगा वहाँ क्रिमिनल एक रेड डायरी होती थी हेडमास्टर के कमरे में रेड डायरी उसमें मेरा नाम मिलेगा यहाँ मेरा नाम नहीं मिलेगा ऑन अ सीरियस नोट आई फील कि यू नो मतलब माशाल्लाह से जितने बहुत सो के नाम देखे और जो नाम और बता रही हूँ उनके भी एक
होनी चाहिए ना शील्ड यार अभी नहीं चाहिए अभी पब्लिक को कि नोट या पॉलिटिशियंस जो हैं उनके तो नाम हैं काफी हुसैन अकानी या अब ये है कि हमारा नाम भी आना चाहिए जो इसमें आए हैं शोबिज में उनके भी नाम मैं बात करूंगा इतने सवाल मैंने अच्छे निकाले थे मैं खुद से कह रही हूं शो ऑफ कर रही हूं बट अच्छे सवाल हां शो ऑफ करूं कोई बात नहीं चलता है नहीं तो टाइम नहीं है ना इतना तो सबसे अच्छा सबसे अच्छा वाला पूछे हम सबसे वो डिसाइड करना मुश्किल है बट फिर भी आई आस्क यू आपको लगता है वैसे तो माशाल्लाह माशाल्लाह से आप तो वो होस्ट हैं मतलब हर तरह की आपको यू नो पज़ीराई मिलती है कितना अच्छा लव्स यू पज़ीराई तो बट आपको भी कभी कभी लगता है या किसी पॉइंट पे लगता था कि पाकिस्तान में होस्ट को सीरियसली नहीं लिया जाता क्रेडिट ऑफ अ गुड इंटरव्यू इज नॉट गिवन टू द होस्ट एज मच एज इट शुड बी नहीं मैं इतना सोचता नहीं था मैं होस्ट के बारे में क्यों सोचूंगा अपनी लाइफ में क्या चीज है होस्ट जिसको ओके ओके ये नहीं है कि आपको मैं कह रही हूँ कि आप बैठ के सोचूं यार आज मैं ये टॉपिक पे बात करूंगा ये सोचूंगा मैं बट जनरली कुछ मुझे ऐसा लगता है कॉमेडियंस एज अ मैं आपको बता दूं बेसिकली आई एम अ स्टैंड अप कॉमेडियन और मुझे ऐसा लगता है आई एम आल्सो अ होस्ट आई एम अ स्टैंड अप कॉमेडियन हु इज आल्सो होस्ट ठीक है अब दोनों को इज्जत नहीं मिलती थी होस्ट को मिलती थी अब बताए ना कौन सा ऐसा होस्ट था जिसकी इज्जत ना हो मुईन अख्तर साहब होस्टिंग करते थे उनकी इज्जत थी अनवर मकसूद साहब करते थे उनकी इज्जत थी नईम बुखारी करते थे उनकी इज्जत थी ज़िया मोहिद्दीन करते थे उनकी इज्जत होस्ट की तो इज्जत थी इज्जत नहीं थी स्टैंड अप कॉमेडियन की इज्जत नहीं थी कॉमेडियंस की यार वो कॉमेडियन है अरे यार वो कॉमेडियन है वो ऐसे ही होते हैं तो मैं बाई आफ्टर 15 ईयर्स ऑफ प्रोफेशनल करियर 18 ईयर्स ऑफ एजुकेशन दो डिग्रीज ये सब करने के बाद पैसे कमाने के बाद जब मैं इस फील्ड में आया तो एक थोड़ा सा इमेज चेंज हुआ ज़रूर ये मेरी इंटेंशनल एफर्ट नहीं थी ना मैं ये मकसद लेकर आया था कि मैं कॉमेडियंस को इज्जत दिलाऊंगा मैं सिर्फ कॉमेडी करने आया था अल्लाह मियाँ ने ये सब चीज़ें नेचुरली हो गई कि मैं पढ़ा लिखा था मैं एक नौकरी भी करता था मेरी फैमिली थी मैंने ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें देखी हुई थी आई ट्रेवल्ड ऑन विद माई ओन मनी मेरे पास गाड़ियाँ अपनी थी घर तक तो वो ये सब चीज़ें जो के बाद जब मैं आया तो थोड़ा सा अपलिफ्ट हो गया अब आई सी आई फील रियली प्राउड एंड हैप्पी अब बहुत लड़के पढ़े लिखे स्टैंड अप कॉमेडी कर रहे हैं पाकिस्तान में ये इवॉल्व हो रहे हैं और ये नहीं कह रहा मेरी वजह से कर रहे हैं मगर अब थोड़ा सा आपका कंट्रीब्यूशन भी है उसको कोई डिनाई नहीं कर सकता एंड आई थिंक देयर इज नो हार्म इन सेइंग अगर आपने कोई पॉजिटिव यू नो कंट्रीब्यूट किया है तो व्हाई नॉट मैं उसको एक्नॉलेज कर रही हूं आप लोग कर रहे हैं आप नहीं कह रहे मैं उसको एक्नॉलेज कर रही हूं सो आई थिंक दैट्स अ गुड थिंग मेरा मतलब ये था कि जो होस्ट जनरली अब हम डिजिटल पे देखते हैं या मैं तो मोइन अख्तर और यू नो तारिक अजीज साहब या उनकी बात नहीं की वो तो अपने टाइम के यू नो लेजेंड्स थे उनकी तो हम शायद अभी उस तक नहीं पहुँचे मैं उसके बाद की बात करी थी बट मज़ा का लेवल लगता है आपको कि थोड़ा सा अब डाउनग्रेड होना शुरू हो गया है और डू यू बिलीव कि मज़ा का कोई लेवल नहीं होता ये अपनी अपनी चॉइस होती है बहुत से लोग इस चीज़ पे भी बिलीव करते हैं वेयर डू यू स्टैंड मज़ा का लेवल डाउन अच्छा अब मसला ये कि हमारे यहाँ डाउन नहीं हुआ हमारे यहाँ एक तो कैद में था मज़ा का लेवल ठीक है मेरे अब्बा अम्मा और बड़ी उम्र के लोग इन्हें ताया बड़ी उम्र के लोग वो जब आपस में बैठते थे तो मज़ा तो वही करते थे जो हम करते थे उसी तरह की बातें आपस में दोस्तों में मेरे अब्बा भी अपने दोस्तों में वैसे जोक्स करते थे जिस तरह मैं अपने दोस्तों में कर रहा हूँ मज़ा का लेवल वही था ठीक है हमने टीवी पर इसको इतना कैद कर रखा था कि बस सर्टन चीज़ें ही हो सकती हैं अभी आप कोई पुराना ड्रामा निकाल लें पुरानी ह्यूमरस चीज़ निकाल लें आपको नहीं हंसी आएगी आप मुस्कुरा लेंगे कर लेंगे अच्छी बात है मगर कहका नहीं लगाएंगे ओके ठीक है अब वो हम इतने हमें असल में बताया गया बस यही ह्यूमर होना चाहिए इतने तरीके से बात की जाए बस तो हम घरों पे तो नहीं करते उस तरह के मजाक घरों पे तो हम वैसे ही जो हम करते होते हाँ एक चीज़ ज़रूर है अच्छा हो गया लेवल यू फील अच्छा हो गया अब कोई काले को काला नहीं कह रहा मोटे को मोटा नहीं कह रहा लंगड़े को लंगड़े के मजाक नहीं हो रहे अंधों के मजाक नहीं हो रहे लूलों के मजाक नहीं हो रहे हकलों के मजाक नहीं हो रहे आप उठा लें पूरे पुराने जमाने की कॉमेडी जिनको आप लेजेंड्स कहते हैं हकलों का मजाक है कालों का मजाक है तो इस हिसाब से तो हमारा स्टैंडर्ड ऊपर चला गया है राबिया अब आपको लगता है कि हमारे यहाँ कहते हैं मजाक का लेवल डाउन हो गया किस चीज़ की वजह से डाउन हो गया आप ये कह सकते हैं कि हाँ यार अब कुछ लोग डबल मीनिंग बात कर रहे होते हैं इससे डाउन नहीं हुआ हमारे यहाँ मसला ये है कि कुछ टैबूज़ हैं उनके बारे में अगर आप जिक्र भी करें लोगों को लगता है ओह माय गॉड अब तो सोसाइटी तबाह हो जाएगी और जो सोसाइटी की तबाही के जिक्र कर रहे हैं लोग या डर रहे हैं और कितनी तबाह होगी वो सोसाइटी आप मुझे बता दें कौन सा ये स्कूल में बैठे हुए हैं हम और मैं सबसे ये पूछना चाहूँगा किसने अपनी सब पहली गंदी बात या पहली ख़राब चीज़ या पहली सेक्स से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन किसने टीवी से सीखी है किसने जो है अपने उससे हम लोग स्कूलों में सीखते थे पहली गंदी बात इसका मतलब ये इनडायरेक्टली आप दूसरों के घरों से सीखते हैं क्योंकि स्कूल में टीचर नहीं बताता था तो दूसरे बच्चे आते थे वो बताते थे okay. वो कहाँ से सीखते थे अपने घरों से सीखते थे किसी का चचा उसको बोला यार गाली दो बड़ा क्यूट लगते हो ये गंदी बात इनको बोलो बड़े क्यूट लगते हो इस तरह से वो गंदी बातें सीख के आते थे फिर वो हमें स्कूलों में सिखाते थे हम आगे सिखाते थे तो ये तो घरों से ही निकली है सारी चीज़ें सोसाइटी हमारी कोई तमीज़ और तमद हम कोई
यूटोपिया में थोड़ी रहते हैं. चोरी चकारी, हक मारना, गालियाँ देना, गुस्से में रहना, तोड़म फोड़म करना, ये सोसाइटी बाहर निकल के देखें ये नज़र आएगा. कोई तहजीब तमद्दन शरीफाना नज़म व ज़ब्त कहीं नज़र नहीं आएगा. तो ये जो हमने अपने आप को चढ़ाया हुआ है कि हम एक तहजीबी याफ्ता सोसाइटी हैं खुदा के वास्ते, नहीं. टीवी पे अब आप आ रहे हैं, पहले डिजिटल पे थे, क्या फ़र्क लगता है आपको ऑडियंस रिस्पॉन्स में भी, कॉन्टेंट में भी? ऑडियंस में मैसिव फ़र्क है इस चीज़ में कि अब मुझे पुलिस वाले, फौज वाले, आने वाले जाने वाले, मजदूर, अमीर, गरीब सब जानते हैं. ओके, डिजिटल की एक खास ऑडियंस होती है, लिमिटेड ऑडियंस. तो दूसरा फ़र्क था वो बस मिटा सा रहा हूँ. ओके ओके, ठीक है. आप अपने शो में कितना इन्वॉल्व हैं उसकी क्रिएशन में? मैं अपने किसी भी, मैंने 15 साल नौकरी की है, मैं माइक्रो मैनेज नहीं करता. आई गिव देम द विजन, आई हैव अ टीम, दे लिसन टू मी, दे फॉलो मी. आई गिव देम द विजन, यार हमने ये करना है, हमने इतनी रैपिडली चेंज करना है कि कोई कंपटीशन में आए भी तो ये समझ ही ना पाए कि क्या कॉपी करे. रोज चेंज करना है, रोज हमने ये करना है, और हम, मैं पुश करता हूँ उनको. और मैं 25-30 दिन तक उनसे कोई माइक्रो मैनेजमेंट नहीं करता, क्या लिखा, क्या दिखाओ. मैं शो से 15 मिनट पहले पहुँचता हूँ, अक्सर गेस्ट पूछता हूँ कौन है, बोलते हैं ये गेस्ट है, एक हमारा फॉर्मेट है, दिखाओ ये इन्फॉर्मेशन इनके बारे में दे दो, बस खत्म. और अगर कभी आप किसी चीज़ से खुश नहीं हो 15 मिनट पहले तो फिर क्या? उनको आदत हो चुकी है, तो मैं खुद चेंज कर लेता हूं, या तो मैं खुद चेंज कर लेता हूं, उनको बोलता हूं मैं कर लूंगा, या मैं उनसे कहता हूं करके लाओ, वो करते हैं. ओके, लड़के ऐसे चूज किए जो कोचेबल थे, जिनके अंदर आपने खुद चूज की अपनी टीम को. जी, जो ग्रोथ, मैं तीन लड़के छोटी उम्र के 21, 22 और 25 साल के लड़के हैं, उनको मैं यहाँ से स्टैंड अप कॉमेडी करते थे, रॉ टैलेंट था, उर्दू में स्क्रिप्ट भी लिखनी नहीं आती, वो रोमन इंग्लिश में लिखते हैं, ठीक है, उनको मैं लेकर गया, वो उर्दू में स्क्रिप्ट भी लिखते हैं, वो गेस्टों से बात भी करते हैं, उनको आधी इंडस्ट्री भी जानती है, वो कमाल कर चुके हैं, कोचेबल थे ना, और ग्रोथ की मैं चाहत थी बस, ये बहुत क्वालिटीज, और ह्यूमर अच्छा था, बस बहुत था मेरे लिए. शादी में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, करना चाहिए? हाँ, करना भी चाहिए और करना भी पड़ता है. एक टीम का नाम है, आप किसी दो मुख्तलिफ लोग जब आपस में मिलते हैं तो आप ये ज़रूर होना चाहिए कि कुछ चीज़ें इंसान की अपनी इंडिविजुअलिटी के लिए ज़रूरी होती हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी जैसे वाइफ का कोई करियर एम्बिशन हो या मेरा करियर एम्बिशन हो तो उसमें आप सपोर्ट करेंगे. जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, हमें यहाँ आना था, ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी जियो की थी. मेरी बीवी कहने, मैंने पहले कहा मैं एक साल के लिए खुद चला जाऊँगा, दो साल के लिए तुम लोग यहाँ रहना. उसने कहा नहीं, हम पाकिस्तान मूव करते हैं. नहीं, हम यहाँ नहीं जाएंगे और हम ये नहीं होगा. तो मैंने उसको बताया, मैंने कहा यार तुम्हारे पास इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी आती है नेशनल टीवी पर, और यू नो, तो तुम क्या एक्सपेक्ट करती? मैं सपोर्ट करता तुम्हें ऑल इन ऑल, या मैं तुम्हारे लिए एक रोड ब्लॉक बनाता, तो एक्सपेक्ट क्या करती? तो फिर वो समझ गई उसने, हाँ नहीं, दिस इज़ नॉट राइट. तो और बहुत सारी बातें वो भी इस तरह समझाती है. तो जब उसने नौकरी करनी थी तो फिर हमने कहा कि, उसने कहा मैं भी फाइनेंशियली कॉन्ट्रीब्यूट कर रही हूँ घर में, तो अब घर का काम हम उसी तरीके से डिवाइड भी करेंगे. तो फिर हमने उस तरीके से डिवाइड किया घर का काम कि अब तुम 8 घंटे नौकरी करती हो, मैं भी करता हूँ, तो फिर घर के ये 3 वाले काम मैं करूँगा, ये 3 तुम करना. तो हम ये कॉम्प्रोमाइज़ तो नहीं है ये, हाँ, ये उसको आप कॉम्प्रोमाइज कह लें या उसको अंडरस्टैंडिंग कह लें या उसको थोड़ा चेंज करना कह लें, पड़ता है. इस तरह से नहीं होगा कि मैं वो है ना शेर है कि चमन में इखलाते रंगो बू से बात बनती है, मैं ही मैं हूँ तो क्या नहीं, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो, और मैं ही मैं हूँ तो क्या मैं हूँ. व्हाई डू यू थिंक हम लोग इस इंस्टीट्यूशन में वी आर लूजिंग होप, स्पेशली द यंगस्टर्स? हाँ, क्यों लोग थोड़ा झिझकते हैं अब? और शादी करने से नहीं झिझकते, उसको निभाने से झिझकते हैं मेरे ख्याल से. कर तो रहे हैं लोग, क्योंकि उसे मज़ा आता है, फंक्शन होते हैं, लोग आते हैं, तस्वीरें खींचती हैं ऑल, मगर जब पड़ती है ना असली. और हम अच्छा, शुरू में बहुत झगड़े होते हैं हमारे, बहुत सारे शादी में होते हैं शुरू में, तो फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा, एडजस्टमेंट्स, और वो प्लेटें बिठाने के लिए जो होती है ना, वो शुरू में चिंगारियाँ, आवाज़ें ज़्यादा आती हैं. तो वो फेज़ निकल जाए ना, अगर एक ट्रस्ट बिल्ड हो जाए कि हाँ यार ये इसका स्पेस है, ये मेरी स्पेस है. ज़ाहिर बात है शुरू में हर कोई एक दूसरे की स्पेस इन्वेट कर रहा होता है. आपको एक ख़ास तरीके से बाथरूम रखना है, कमरा रखना है, वो अगला बंदा भी आया. मुश्किल काम है ये बच्चों का काम नहीं है. तो सोच समझ के करना चाहिए जरा, ये बच्चों और थोड़ा तैयार रहना चाहिए फिर उस चीज़ को. और ये मर्दों को थोड़ा सा ईगो मारना पड़ेगा, बराबर कंट्रीब्यूट कर. हम नौकरानियाँ लाते हैं, मसला ये है. और वो फिर जब एक्सपेक्टेशन ब्रेक होती है ना, लड़की ने बोला कि मैं तो नहीं कर रही, तो आपको लगता है बदतमीज़ है वो लड़की, जबकि बदतमीज़ आप हैं. अब तो वाकई बहुत लड़कियाँ चेंज भी हो गई हैं, अब तो दे डोंट. मेरी बेटी से कोई लड़का नौकरानी बना के काम कराता रहेगा, मुझसे कहाँ बर्दाश्त होगा. वो भी नहीं करेगी, उसकी माँ नहीं करती. मैंने आपकी सबसे इम्पोर्टेंट बात, I saw the letter.
आपकी बेटी ने जो लिखा था, बहुत सेंसिटिव है, इट वाज सच अ ब्यूटीफुल हार्टफेल लेटर इनकी बेटी ने, मैं उसकी कोशिश करूंगी पिक्चर लेके डाल दूंगी, इतना प्यारा इनकी बेटी ने ना, हाउ ओल्ड इज शी, फ्रॉम द डेस्क ऑफ रानिया हाशमी, हां फ्रॉम द डेस्क, शी इज एट दैट टाइम शी वाज 8, अब आप ने बड़ा प्यारा लिखा है टू द ट्रैफिक पुलिस ऑफ पाकिस्तान और द ट्रैफिक डिपार्टमेंट ऑफ पाकिस्तान, कि मैं किसी और मुल्क से आई हूँ, वहाँ पे अगर आप लेन छोड़ें तो फाइन हो जाता है, मे बी आपको भी ये रूल करना चाहिए तो ट्रैफिक बेहतर हो जाएगा. आपने वो लेटर देखा, व्हाट डिड यू फील, वो लेटर देख के पहला रिएक्शन क्या था आपका? मैं रानी से एक्सपेक्ट करता हूँ इस तरह की चीज़ें. ओके. वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है. हाँ, सेंसिटिव भी है और वो मेरी तरह जिसे कहते हैं ना डिबेट करने की शौकीन है. ओके. अभी वो टॉपिक लेकर आई, पूरे स्कूल में उसका टॉपिक था गिविंग इज बेटर देन रिसीविंग. ओके. तो उसको पता है मैं डिबेटर रहा हूँ ना, मुझे मुझे बड़ा गुरु. अच्छा, उसके अंदर ये चीज़ है आपसे आई है? मैंने कहा जब भी डिबेट कॉम्पिटिशन होगा तुमने पार्टिसिपेट करना है. ओके. मैं तुम्हें पहली डिबेट मैं लिख के दूंगा. तो क्यों देंगे वो लिख के? तुम्हें सिखाऊंगा मैं. अच्छा, ओके, ओके. तो उसको कोच करूंगा. तो वो आई मेरे पास, तो भैया आ गया. मैंने कहा तुम इसके फेवर में बोलोगी? कह लेंगे हाँ. मैंने कहा सब बोलेंगे. ओके. गिविंग इज बेटर देन रिसीविंग. मैंने कहा सब बोलेंगे ये गिविंग, ये चैरिटी, ये. मैंने कहा सब, उनको फायदा नहीं उठा. अब्बा ने कभी ये नहीं किया तो क्या करें? मैंने कहा रिसीविंग इज बेटर देन गिविंग. कैसे? मैंने कहा भाई देखो, पैदा होते हैं तो यू आर गिविन बर्थ, यू आर गिविन अपॉर्चुनिटीज. गिविंग इज द लॉ ऑफ द नेचर. गिविंग इज वॉट नेचर डज, इट इज हाउ यू रिसीव इट. अगर आप सब लोग गिविंग के हक में होंगे तो मैं रिसीविंग के हक में, सब रिसीविंग में गिविंग, अटेंशन मिल जाती है. ठीक है. जावेद मियां दाद के साथ जावेद भाई किस्से जो है ना, वो असल में जावेद भाई इतने हम्बल और स्वीट है, वो अपने किस्से जो है ना बहुत टोन डाउन करके बताते हैं, तो जो दूसरे उनके किस्से सुनाते हैं वो ज्यादा फनी लगते हैं. जावेद भाई उसको, मैं अल्लाह के फजल से मैंने उसको ये कहा, तो फिर वो ऐसा लगता है जावेद भाई उसको टोन डाउन कर रहे हैं. लेकिन अब वो माशाल्लाह से इज़ वेरी पैशनेट अबाउट क्रिकेट, पाकिस्तान. एक ट्रू वो पेट्रियोटिज्म और नेशनलिज्म टपक रहा होता है कुछ लोगों में से, उनमें से टपक. मुझे लगा जब मैंने वो देखा कि इट मस्ट बी एन इम्पॉर्टेंट मोमेंट फॉर यू, मुझे ऐसी फील आई कि वो आपके लिए कुछ मोमेंट्स होते हैं ना लाइफ के. वसीम अकरम और जावेद भाई के साथ दो मोमेंट्स ऐसे थे जो मेरे लिए बड़े, जो आप याद रखेंगे कभी आज से 10 साल बाद. राहत फतेह अली खान है, वो भी एक मोमेंट था, बड़े स्टार हैं पाकिस्तान के. मुझे सबसे मजा आया उनके साथ, मोमेंट की बात हो रही है, इरफान खूसट के साथ बहुत मजा आया. ओके. वो जब वो आए ना मुझे लगा काफी बुजुर्ग हो गए हैं, पर उनके अंदर अभी तक वो लाइट खुली, कैमरा, एक्शन, क्यू और वो टाइमिंग उन्होंने दी. मैं उस दिन मुझे लगा कि ताबिश हाशमी आपकी कोई गेम नहीं है. आपकी कोई गेम नहीं है, ये होते हैं. बट इट्स एन ऑनर टू बी टॉकिंग टू देम आल्सो, यू नो, बिकॉज़ आप भी अपनी जगह पे हैं बट वो भी हमारे बड़े सीनियर्स हैं. हां, हमारी जगह कोई जगह नहीं, उनकी जगह जगह थी. उस जमाने में बहुत मेहनत लगती थी. अभी देखें अरबिया, सच्ची बात बताऊं, मशहूर होना कोई बड़ी बात नहीं है. मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था. अभी क्या मशहूर हो गया, आज से 50 साल पहले मशहूर हुआ होता ना या तो बहुत बड़ा आदमी होता. अभी मशहूर होना अचीवमेंट नहीं. हाँ, सस्टेन कर लिया, अगर 20 साल बाद भी लोग मुझे जानते हुए तब बात करेंगे इस बारे में. अब कितने साल हो गए अभी? 10 साल तो हो गए आपको, उससे ज्यादा नहीं. नहीं, मीडिया में 3-4 साल ही हुए हैं. फ्रॉम द टाइम भाई आप 20 साल से पब्लिक स्पीकिंग कर रहा हूं. सो एग्जैक्टली, आप तो तब भी हीरो थे, तब भी आप तो पर्सनालिटी थे जब आप जाते थे. तो थोपी भी है कुछ, वो होते हैं कुछ लोग शोहरत कमाते हैं, कुछ लोगों को विरासत में मिलती है, कुछ लोगों में थोप दी जाती है. कैसे थोपी भी आप पे, ये इंटरेस्टिंग बात है. पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि मैं इतना पता नहीं क्यों ऐसा लगता है, क्योंकि मैं कहीं निकलता नहीं हूँ तो मुझे ऐसा लगता नहीं. मुझे घर के काम वाले भी मुझे कोई इतनी खास इज्जत नहीं देते क्योंकि मैं उनसे ज़्यादा बात नहीं करता. बेगम भी कोई ऐसे ट्रीट नहीं करती. बच्चे भी मुझे तो कंधे पे सवार हैं तो कभी ये छीन लिया, बाबा सोते ही रहते. अम्मी भी इस तरह ट्रीट नहीं करती. ड्राइवर भी मुझे कोई हमने खास, तो आज आपको स्पेशल फील आप है, अभी पब्लिक में हमेशा आज थोड़ा लग रहा है. लेकिन हमने आपको सेलिब्रिटी ट्रीट नहीं किया. निकलता नहीं हूँ तो मुझे ऐसा ख्याल नहीं आ रहा कि यार मैं मशहूर आदमी, अब मैं निकला करूँगा. वो लाहौर में जो आपके बड़े बड़े बोर्ड्स लगे उनको देख के भी नहीं लगता यार. वो तो मैंने लोगों को, मैंने अपने ड्राइवर को बोला जब भी कोई मेहमान एयरपोर्ट से लाओ बेटा उस रूट से लाने जिसमें सबसे ज्यादा लगे और एक एक बोर्ड साबिश भाई का ये बोर्ड लगाए वो ये दिखाते हुए लाए. आपका अपना फेवरेट कौन सा है एयरपोर्ट से निकलते ही? आप निकले मैं लगाऊं. वाह वाह. और सबसे बुरा कौन सा है जिसको आपने देखा यार यही मिली थी मेरी तस्वीर? तस्वीर तो बिल बोर्ड तो एक ही तस्वीर वाला सब जगह लगा सब जगह लगा हुआ है. ओके ओके ठीक है. तो मैंने देखी नहीं. बाकी जो अभी सबसे जो बुरा लगता है ना वो एक पाउडर, वॉशिंग पाउडर का इश्तेहार जो है ना उसमें आखिर में आता है बेगम इट्स 100 रुपीज कम. वो इतना बुरा लगता है मुझे यार. आप लोगों को भी लगता है मुझे पता है,
मुझे खुद पता, मेरी बीवी को कितना जहर लगता होगा, सोचो वो खत्म नहीं कर रहा यार उसको। बट चेक तो अच्छा मिला था ना आपको, 100 rupees कम। From what amount? तो बस आप उसको देख लिया करें। उसी मेरा पहला एड था और एहसन रहीम के साथ था, बहुत मजा आया था। बहुत मजा, एहसन रहीम भी, he is a, you know, it's a, थैंक यू सो मच ताविश, मेरे पास बातें बहुत है बट आई थिंक बहुत थक गए आप भी, इससे पहले कि आप बेहोश हो जाए डिहाइड्रेशन से और गर्मी से। नहीं राबिया, मैं आपको कमेंट करना चाहता हूं एक, मैं इंटरव्यूज नहीं दे रहा हूं रिसेंटली, मुझे दिल नहीं चाह रहा होता। आई एम सो ऑनर्ड दैट यू गिव मी टाइम। लोग कंट्रोवर्सी निकालने की बहुत कोशिश करते हैं, आपके इंटरव्यूज जो होते हैं ना उसके सवाल डिफरेंट होते हैं। आपने कभी मुझे कैसी गुजर रही है, मैं बोर हो चुका हूं, तो यू आर वेल रिसर्च्ड, वेल रिहर्स्ड और आप होमवर्क करके आती हैं, ये मैं नहीं करता हूँ, मेरे अंदर ये खामी है। आपकी टीम है ना भाई। टीम का मसला ये है कि टीम जो करती है होमवर्क वो मैं शो में करता नहीं। अच्छा। हम मेरा ट्रिक है मैं बताता हूँ, शुरू की 3-4 बातें ना आप पता कर लिया करो गेस्ट की, क्या करते हैं, क्या काम करते हैं, ड्रामे में काम है ये ड्रामा, बस शुरू में फेंक दिए पत्ते टक टक, अब गेस्ट को लग रहा है आप उसे जानते हैं, अब आप उसे जनरल कन्वर्सेशन पे ले, आप मिडिल क्लास फैमिली से, जी जी क्या होता है, अभी जनरल सवाल है। भाई आपका टैलेंट हमारे पास नहीं है राविश, आप अपने आप को अंडरएस्टिमेट करें, बट माशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाह ने जो आपको टैलेंट दिया है उसको खुद आपने भी बहुत निखारा है, वो आपके पास ही है, वो किसी और के पास पाकिस्तान में इस वक्त नहीं है। दैट इज व्हाई आई हैड सेड द वन एंड ओनली ताविश आश्रमी। थैंक यू राविश, आपने पूरी साइकिल कंप्लीट की, आखिरी जो है मैंने, और मैंने छक्का मारा है, यू हैव टू से दैट, यू हैव टू एडमिट टू दैट, बट थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर योर टाइम, हैड अ लवली टाइम दिस कन्वर्सेशन, एंड दिल से शुक्रिया हबीब को चूज करने का और हमें फैसिलिटेट करने का, क्योंकि ताविश के बगैर ये पॉसिबल नहीं होता। आपके साथ हमने मिलके आई थिंक कंट्रीब्यूट किया आज। कराची आपके भी दिल के करीब है, मेरे दिल के भी करीब, दिल है मेरा, दिल है, तो उसको हम आर्काइव कर रहे हैं उसकी इंपॉर्टेंट जगहों को। और अभी ये अभी पब्लिक स्कूल जो है ये हबीब ग्रुप और हबीब फैमिली का एक वाहिद प्रोजेक्ट नहीं है, मतलब हबीब यूनिवर्सिटी भी, अभी पब्लिक भी है, बैंक्स भी हैं और बहुत सारे फिलैंथ्रोपिक प्रोजेक्ट्स हैं, और आप देखें हर प्रोजेक्ट का स्केल देखें, द थॉट प्रोसेस बिहाइंड इट, स्कूल, दिस इज हाउ स्कूल्स आर शुड बी बिल्ट, शुड बी, है ना, ग्राउंड्स हों, फैसिलिटीज हों, यूनिवर्सिटी देखें, जो टीचर्स हैं, जो रिसर्च करके आ रहे हैं, जो पीएचडी करके आ रहे हैं, दैट इज हाउ यू हायर यूनिवर्सिटी ग्रेट टीचर्स। तो ऑल क्रेडिट गोज टू हबीब पब्लिक स्कूल, द फैमिली, द ट्रस्टीज, तो आई एम श्योर के यार इस तरह के 4-5 और हो जाएं पाकिस्तान में, है ना, तो क्या बात हो। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू राबिया।